नमस्कार एन के इस कार्यक्रम में आप सभी का साव स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि एन का यह वाग्दा चैनल है और इसके माध्यम से हम शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं शिक्षार्थियों या डी से संबंधित कार्यक्रम है और डी के जो शिक्षार्थी हैं वे निरंतर तीन बजे से लेकर पाँच बजे तक इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें हिस्सा लें उसके लिए टोल फ्री नंबर है वन ऐट डबल जीरो वन एट जीरो टू फाइव फोर थ्री ई मेल है वाग्दा एट एन आई ओ एस डॉट ए सी डॉट इन शिक्षार्थियों इस समय हम मॉड्यूल फाइव जीरो सिक्स पर लगातार बातचीत कर रहे हैं जिसकी परीक्षाएं भी जल्द होने वाली हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक संख्या में सुने इसका लाभ उठाएँ ताकि परीक्षा में उनका उपयोग कर सकें कल हमने बातचीत की थी थिंकिंग स्किल्स के बारे में और आज भी उसी विषय को हम विस्तार से बातचीत के लिए प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष तो चिंतन कौशल का विकास किस प्रकार बच्चों में किया जाए उसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे इस चर्चा में भाग लेने के लिए दो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे परिचय करा दूं हमारे साथ डॉक्टर सोनल छाबरा हैं असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद से और डॉक्टर नीरज प्रिया हैं प्रिंसिपल गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप दोनों का स्वागत है शुक्रिया सर शिक्षार्थियों कल भी हमने विस्तार से चर्चा की थी कि मनुष्य की जो चिंतन प्रक्रिया है वो जन्म से ही शुरू होती है और बच्चों में जहाँ तक चिंतन का विकास है वह प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है शिक्षक उसमें कैसे योगदान दे सकता है चिंतन प्रक्रिया का विकास किस स्तर तक कर सकता है उसका विस्तार कितना कर सकता है यह महत्वपूर्ण बात होती है इसीलिए हम देखते हैं कि जब स्कूलिंग शुरू होती है बच्चे की तो पेरेंट्स की भी उम्मीद होती है कि बच्चे का मानसिक विकास ज़्यादा होगा पीयर ग्रुप के साथ भी होगा और शिक्षक के माध्यम से भी तो मैं चाहूँगा डॉक्टर सोनल आप बताएं कि हम शिक्षार्थियों को आज क्या बताने वाले हैं आ, शिक्षार्थियों चर्चा में आपका स्वागत है आज हम जैसे कि सर ने जिक्र किया हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम स्कूली बच्चों में चिंतन शिक्षा का या चिंतन कौशल का विकास कैसे करें ये हम सब जानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं लाइफ की हर स्टेज पे इनिशियल स्टेजेस से ही हम देखेंगे कि हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है कि हम किस तरीके से एक निष्कर्ष पर पहुँचें या एक नतीजे पर पहुँचें और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़ों से जुड़ी हुई चीज़ है या जो आ, व्यसक हो चुके हैं या जो अपने कामकाज में इन्वॉल्व हैं उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें इवन छोटे बच्चों के साथ भी ये चीज़ आती है तो हम इस चर्चा में इसी बारे में आज बात करने वाले हैं कि हम एज़ शिक्षक मैं और आप टीचर्स के तौर पर पे, और पेरेंट्स के तौर पर हम कैसे बच्चों की मदद कर सकते हैं कि वो ऐसे इंसान बने जो अच्छे सही और सशक्त नतीजे ले सकें या निष्कर्ष निकाल सकें जो कुछ भी उनके पास ऑप्शन है उन सबको लेकर के जैसे कि सर ने जिक्र किया हम सब जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो बच्चे का जो सिर होता है वो एक चौथाई होता है बाकी शरीर के मुकाबले और यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हमारा एडल्ट हो जाने के बाद हमारा जो सिर का साइज़ होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट वन सेवन्थ टू वन एट्थ ऑफ़ द टोटल साइज़ ऑफ द बॉडी यानी अब प्रपोर्शन में देखिए पहले एक चौथाई था और अब एक वन सेवेंथ एक या वन एट्थ हो जाता है इससे ही हमें एक निष्कर्ष जो सामने देखने को मिलता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी काफी हद तक ब्रेन की डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और उसका सिंपल सा कारण है कि यदि ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी तो नीचे का पोर्शन जो है जो पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है हम सब जानते हैं ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है तो अगर वो डेवलप नहीं होगा तो बाकी जो बॉडी है वो उस हिसाब से डेवलपमेंट के फेज में नहीं आ पाएगी इसीलिए ज़रूरी बन जाता है कि हम बौद्धिक विकास की बात करें हम मानसिक विकास की बात करें और हम बच्चों को उस तरह के अनुभव भी दें कि वो आ, अपने क्षमताओं को पूर्ण तरीके से विकसित कर पाए एक सुचारू तरीके का एक माहौल क्लास के अंदर अगर दिया जाता है और वही बात ना केवल क्लास इवन घर में भी अगर हम उसे उसी तरीके का माहौल दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें मदद करती हैं कि सही तरीके से चीज़ों को हम आगे लेकर जा सकें नो अब हम शुरुआत में ही बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की तो डिसीजन मेकिंग जैसे कि शब्द से समझ में आता है कि हमने कोई डिसाइड करना है हमने किसी नतीजे पे पहुंचना है कुछ डिसाइड करना है और हमने किस में से डिसाइड करना है हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं उसमें से मैंने कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है या जो भी मेरे पास तर्क वितर्क मौजूद हैं उनको ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए किसी एक चीज़ पर मैं पहुँचती हूँ आप छोटे बच्चों के साथ देखिए उन्हें अगर आप चार ड्रेसेस ही निकाल करके दे दीजिए कि कौन सी पहननी है आज उनको यहाँ तक इसमें भी पहुँचने में मुश्किल हो जाती है कि वो कौन सी चूज़ करना चाहेंगे क्योंकि ऑल्टरनेटिव ज़्यादा है जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिवस होंगे उतना मुश्किल हो जाता है प्रॉपर डिसीशन को ले पाना और डिसीजन मेकिंग ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा एक कौशल कहूँगी मैं आज के संदर्भ में और ज़्यादा क्योंकि हम देखेंगे कि समाज जो है बहुत अलग अलग रूप से विकसित हो रहा है उसमें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं अलग अलग संघर्ष आ रहे हैं अलग अलग सर्कमस्टानसेस पैदा हो रहे हैं बच्चों के पास आजकल ज्ञान का जानकारी के स्रोत बहुत ज़्यादा है आपके पास गूगल है आपके पास बुक्स हैं आपके पास सोशल मीडिया है आपके पास टेलीविजन है तो ये सारे स्रोत हैं जिनसे अलग अलग तरह की जानकारी हमें मिल सकती है अब इसमें हमें कौन से स्रोत पे कितना रिलाय करना है किस स्रोत की बात माननी है और किस स्रोत की बात नहीं माननी है ये हम सब के लिए भी मुश्किल हो चुका है इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस वक्त एक टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है तो सोचिए कि ये चीज़ बच्चे के लिए और कितनी ज़्यादा मुश्किल है तो यहाँ हम आज पूरे इस डिस्कशन में यही बात करने वाले हैं कि आप कैसे ये उनकी मदद कर सकते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने जो कि अच्छे ठीक और सशक्त नतीजे ले सके अनुभव है जैसे डिसीजन मेकिंग है। हाँ जी सर। आ, मुझे लगता है कि इन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत सी चीजों में से एक चीज को चुनना जी जी जी। ये एक उदाहरण हो गया उसके अलावा मुझे लगता है कि हर कदम पे जी. बच्चा शुरू में मान लीजिए खेलने के लिए भी उसको सामान देते हैं वहाँ भी चॉइस शुरू कर देता है बिल्कुल है ना कहीं भी हम देख सकते हैं इवन दो लोग खड़े हैं तो जिसको ज्यादा स्नेह करता है उसको चुन लेता है वो बिल्कुल तो हर क्रिया में मुझे लगता है कि वो डिसीजन तो शुरू हो जाता है उसका बिल्कुल सही बात कही सर आपने निर्णय प्रक्रिया आ, जैसे सोनर जी ने भी कहा कि बचपन से ही शुरू हो जाती है बच्चा जब से होश संभालता है या समझना शुरू करता है तब से ही निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जैसे इन्होंने कहा कि आज के समय में ये जो प्रक्रिया है ये बहुत जल्दी शुरू हो जाती है बच्चा अपने कपड़ों के चयन खुद करता है अपनी खाने पीने की चीज़ों का चयन खुद करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है आज का जो हमारा विषय है एम्पावरिंग द चाइल्ड टू टेक रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूजिंग थिंकिंग मतलब कि चिंतन का प्रयोग करते हुए बच्चा एक तर्क संगत निर्णय कर सके इसके लिए हमें बच्चे को तैयार करना है ये सही है कि हर व्यक्ति हर क्षण कोई ना कोई निर्णय ले रहा होता है अभी इस वक्त भी हम बैठे हैं तो आपने बहुत सारी बातें सोची होंगी आपके दिमाग में बातें आई होंगी और वही बातें जो हैं हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है लेकिन सही निर्णय लेना सही वक्त पर सही समय पर और सही वस्तु के लिए या सही परिस्थिति के लिए एक सही निर्णय लेना ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चे को ये समझा पाना ये सिखा पाना कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर वक्त हर क्षण जैसे हमने कहा कि हम निर्णय लेते रहते हैं लेकिन सही निर्णय जो उसके भविष्य को भावी जीवन को प्रभावित करेगा ये लेना और उसे सिखाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यहीं पर स्कूल का शिक्षा का और शिक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि बच्चे को किस तरीके से शुरू से ही बचपन से ही इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो एक सही निर्णय अपने जीवन में ले पाए और बहुत सारी आने वाली समस्याओं से बाधाओं से वो बच सके इसमें एक चीज हमने कहीं पढ़ी थी जी। पता नहीं सोर्स अभी आप कह रहे थे बहुत सारे सोर्स हैं। तो सोर्स मैंने पढ़ा कि एक मिनट में छह विचार आते हैं हमारे मन में जी तो अगर आप काउंट करें तो एक दिन में कितने विचार आते हैं हमारे बिल्कुल तो अगर इतना महत्वपूर्ण है हमारा जो थॉट प्रोसेस है तो सही और गलत का की बात जो आप कर रही थी तो समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है हमें हर विचार पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे मन में क्या विचार आ रहा है बिल्कुल सर ये कहा भी गया है कि जब भी आप कोई निर्णय लें तो कम से कम दो बार सोचें और उसके दोनों पहलुओं या कई पहलुओं पर आप विचार करें और सोच विचार कर जो है निर्णय करें तर्कसंगत रूप से इंटेलिजेंट अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए न्यायसंगत रूप से तर्क वितर्क करते हुए कोई भी निर्णय लें और एकदम जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय ना करें जिसके लिए आप स्वयं भी पछताएं या जिसके लिए निर्णय लिया है अगर मान लीजिए आप किसी और के लिए लेते हैं तो उसको भी पछतावा हो या कोई नुकसान हो तो हमेशा जो हम निर्णय करते हैं उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारे आउटकम्स हैं जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं उनकी यूटिलिटी और उसकी वैल्यू जो है बनी रहे और सही प्रकार से निर्णय हम जो है कर सकें और निर्णय की प्रक्रिया आप अगर देखेंगे तो ये एक समस्या और समाधान के तौर पर इसको हम ले सकते हैं कि हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हुई और उस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें उसका समाधान खोजना है और जब हम समाधान खोजने की प्रक्रिया करते हैं तो उसके लिए हम कोई निर्णय लेते हैं और उस निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही हमें बच्चे को सिखाना है कि किस तरीके से एक सशक्त उसको बनाएँ कि वो एक तर्क रूप से चिंतन के आधार पर एक सही निर्णय ले सके और यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जब हम आज के संदर्भ की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक समस्या का सिर्फ एक ही समाधान हो सकता है ऐसा भी हो सकता है हालात ऐसे हों कि एक समस्या के कई समाधान हों तो अब उन जो सही इतने पांच छह समाधान हैं या जितने भी समाधान हैं तो उसमें से मुझे बेस्ट चुनना है जो मेरे को ज़्यादा सूट करता है या मुझे लगता है कि जिसका रिज़ल्ट मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा तो जैसे कि निजा मैम ने भी ये बात करी कि हम यूटिलिटी ज़रूर देखते हैं वैल्यू ज़रूर देखते हैं उस आउटकम की जो आपने डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि उसका क्या रहेगा साथ ही साथ हम ये ज़रूर देखते हैं कि प्रॉबिबिलिटी क्या है कि उस तरह का रिजल्ट कितना आएगा तो यदि मैने ये ज़्यादा आसान होता है कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो दो ऑप्शन में से आपको पता है कि एक सही है और एक गलत है और मैं सही का चुनाव कर रही हूँ लेकिन वो डिसीजन लेना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके पास छः चॉइसेस हो और आपको पता है कि छः के छः ठीक है लेकिन मुझ पर कौन सी सबसे ज़्यादा सूट करती है या मैं उन छः में से फिर किसका चुनाव करूँ तो वो मुझे लगता है कि और ये समस्या अब ज़्यादा बढ़ गई है पहले ये समस्या इतनी नहीं थी आप छोटे से छोटा उदाहरण लेकर के देख लीजिए आप सुबह निकलते हैं और आप सुबह अपनी अलमरा खोलते हैं और आप यही देखना चाहते हैं कि आप कौन से कपड़े पहनना चाहते हैं वो हमारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं मम्मी पापा मेरे कहते हैं कि बहुत सुखी था हमारा समय क्योंकि कपड़े कम हुआ करते थे जब कम थे तो चॉइस करना आसान था अब वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है और एक नहीं ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हम देखने को देख सकते हैं करियर का चुनाव करना है जैसे करियर का चुनाव करना है ये ब, बिल्कुल सही उदाहरण दिया सर ने क्योंकि हम अगेन मैं वहीं लेकर के जाऊंगी कि जहां जिन स्कूलों से हम पढ़े हैं और जिस तरह का बचपन हम लोगों ने निकाला है तो बहुत ज्यादा करियर के ऑप्शंस नहीं थी कुछ डिसाइडेड से थे एक दो तीन इस तरह के बट अगर अब हम देखते हैं तो बच्चे एक्चुअली में परेशान होंगे क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं और उन सब ऑप्शंस में फिर ये ध्यान रखते हुए कि मेरी क्षमता क्या है मेरी रुचि क्या है सामाजिक परिवेश में कौन सा मेरे को सूट करता है और फिनेस किस में ज़्यादा हैं तो वो सब चीज़ों को चुनाव करते हुए क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हैं तो डिसीशन लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है जी तो ये चिंतन जो प्रक्रिया है शिक्षक शिक्षकों के लिए कोर्स में रखा गया है उसका लक्ष्य क्या है लक्ष्य यही रहेगा सर कि हम बच्चे को इतना सशक्त बना दें और सक्षम बना दें कि वो सही डिसीजन पर पहुंच सके और हम ये उसे सिखाएं कि हम कैसे सही डिसीजन तक पहुंच सकते हैं इसकी पूरी एक प्रक्रिया दी गई है पूरे एक स्टेप्स दिए गए हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो इन सब चीजों को प्रभावित करते हैं कि बच्चा कैसे अपने सही निर्णय पर पहुंचेगा इसका मतलब कि शिक्षक को उसका सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को उसका सैद्धांतिक तो, ज्ञान होना चाहिए आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जब तक मैं एज ए शिक्षक उस बात को नहीं समझूंगी कि इसके पीछे का सिद्धांत क्या है मैं उस तरीके से उस बच्चे को सिखा भी नहीं सकती और अगर अब हम देखें तो जो भी करिकुलम बना हुआ है और जिस तरीके से किताबें लिखी जाती हैं इवन सर आप प्राइमरी क्लास की क्लास बुक्स उठा करके देखिए कि हर एक बुक के पीछे हर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें हैं इस तरह की चीज़ें जहां बच्चे के पास ऑप्शंस रखे जा रहे हैं कि आपने निर्णय करना है कि आप कैसे लेकर के जाएंगे मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद है कि बच्चों को एक पीछे क्रॉसवर्ड सा बना हुआ है आपने देखा होगा कई बार कि वो कैट है और उसको माउस तक जाना है तो एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाना है आमतौर पे उसमें क्या होता था कि एक ही ऑल्टरनेटिव होता था सही वाला जो लेकर के जाता था तो बाकी रास्ते बंद दिखाए जाते थे लेकिन अब आप अगर उस तरह का बजर देखते हैं तो उसमें आपको इस तरह के ऑप्शंस भी देखेंगे कि एक से ज़्यादा रास्ते हैं बिल्ली को चूहे के पास पहुंचने के लिए और अब आपने सबसे छोटा रास्ता चुनना है या सबसे आसान रास्ता चुनना है तो यहाँ हम भी जैसे जैसे चीज़ों का विकास हो रहा है जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है उसी तरीके से हमारी किताबें भी उसी तरीके से विकसित हो रही हैं लेकिन शिक्षक उसे किस तरीके से क्लासरूम के अंदर करता है वो बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि हम चीजों को कहां तक लेकर जा पाएंगे यदि शिक्षक क्लासरूम में बैठे हुए और बता देता है कि जी ये आंसर है आप ये कर लीजिए तो आपने तो जो उसका पर्पस था पीछे का उसे आपने खत्म कर दिया है लेकिन वही शिक्षक अगर 10 की जगह 15 मिनट उस चीज के साथ लगा देता है कि चलिए कोई बात नहीं बच्चे समय ले रहे हैं ले समय और फिर वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचे तो आप उद्देश्य तक पहुँचने की कोशिश करें जो उद्देश्य है उस तरह के प्रश्न का कि सही निर्णय शक्ति का विकास बच्चों में करना है जी तो इसमें मूलतः शिक्षक को सबसे पहले क्या जानना जरूरी है हमारे कैरिकुलम के अनुसार आ, मुझे लगता है कि जैसे इसके अगर हम शब्दावली पर ध्यान दें कि एम्पावरिंग द चाइल्ड टू टेक रैशनल डिसीजन तो रेशनैलिटी क्या है डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस क्या है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीज़न मेकिंग को प्रभावित करते हैं और किस तरह से उन फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है क्योंकि जो भी निर्णय मैंने लिया है वो किस वजह से लिया है कौन से ऐसे कारक थे जो मुझे प्रभावित कर रहे थे मेरा जो निर्णय है वो उनसे प्रभावित होता है और अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो मेनली तीन फैक्टर्स की बात की गई है यूरिस्टिक फ्रेमिंग एंड एक्सकेलेसन की और यूरिस्टिक को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो इसमें हम पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं मेंटल रूल ऑफ थम्स की हम बात करते हैं ये सबसे आसान तरीका होता है निर्णय लेने का यानी पहले से ही जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है मान लीजिए फ्यूचर में कोई भी पास्ट में कोई भी कोई ऐसी घटना हुई थी मैं सेम परिस्थितियों में फंसी या फंसा और मैंने कोई निर्णय लिया और वो सही रहा तो मैं बार बार कोशिश होती है कि मैं उसको रिपीट करूँ तो पास्ट एक्सपीरियंसिस जो हैं वो मेरे क्योंकि सबसे एफिशिएंट होता है सबसे क्विक होता है रैपिड होता है और मेरे को ज्यादा मेंटल प्रेशर एफर्ट्स नहीं करने पड़ते तो उसको जो है मैं लागू करती हूँ या लागू करता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल 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 अनुभव है जी 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 वो सारी चीजें पता है उसके बिल्कुल पक्ष इसके अलावा आप देखिए कि आयु आयु एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कारक है जो हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है और पहले तो ये माना जाता था कि जितना उम्र बढ़ती है उतना ही निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो मजबूत होती जाती है यानी जो उम्र दराज लोग हैं वो जो निर्णय करते हैं क्योंकि उन्हें अनुभव ज़्यादा होता है और वही बात फिर से आती है अनुभव की कि अनुभव होने के कारण वो जो निर्णय लेते हैं वो ज़्यादा सटीक या सही माना जाता है लेकिन ऐसा नहीं है आजकल छोटे बच्चे भी निर्णय लेते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं बच्चों को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है आप एन 2005 की देखें या पुरानी जो थ्योरीज़ हैं उनमें से कई थ्योरीज़ अगर आप देखें पहले बच्चे को माना जाता था टैबुलर आसा कि दिमाग उसका खाली स्लेट है और हमने जो लिख दिया उस पर वही लिखा जा सकता है लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता यानी बच्चा पहले से ही कुछ ना कुछ अनुभव लेकर आ रहा है और अनुभवों के आधार पर उसके निर्णय जो हैं वो प्रभावित होते हैं इसके अलावा हमारी शोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो भी हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं अगर मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं सा, साधन हैं ऐसे साधन हैं जो मुझे कई प्रकार का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर है इंटरनेट है स्मार्टफोन है मोबाइल है तो मेरे निर्णय लेने की प्रक्रिया या मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें उसका प्रभाव पड़ता है लेकिन अगर मैं इस तरह के बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर इस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं या बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं तो वहाँ पर भी निर्णय लेने का जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है इसी प्रकार से अगर आप देखें तो पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन पीयर ग्रुप प्रेशर अगर हम बात करें यानी दोस्तों का जो प्रेशर होता है उनसे इन्फ्लुएंस होकर बच्चे बहुत निर्णय लेते हैं और ख़ासतौर पर छोटे बच्चे भी और एडल्ट एज में जब आते हैं वो बच्चे भी जो है अपने पीयर यानी दोस्तों के प्रेशर में या उनसे इन्फ्लुएंस होकर जो है बहुत तरह के लेते हैं ये है। ये, तो माना ये, जाता है कि सबसे ज्यादा जी 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 बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और, बच्चों को चॉइसेस जितने भी आजकल ऑप्शंस पे अवेलेबल हैं वो बहुत हद तक मैम ने बिल्कुल सही कहा कि प्रभावित हो रही है पीयर प्रेशर से आप छोटी से छोटी चीज ले लीजिए आप घड़ी कौन सी पहनते हैं या बिस्किट कौन सा खाना पसंद करते हैं या आप किस तरह की नोटबुक लेते हैं किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के पीयर ग्रुप से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं हाँ ये फ़र्क ज़रूर है कि पहले ये प्रभाव जो है हमें एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में ज़्यादा मिलता था देखने को लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखें तो इवन जो पाँच छः सात साल का बच्चा है उसके ऊपर भी ये प्रभाव दिख रहा है कि मेरे फ्रेंड ने ये खाया था और मेरे फ्रेंड ने वो किया है या वो वहाँ घूमने गए और वो वहाँ गए तो उन सब चीज़ों का प्रभाव जो है वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर कि व्यक्तित्व का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है व्यक्तित्व यानी आप अंदर से किस तरह के इंसान हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी बच्चों ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और कई बार सब कुछ सक्षम परिस्थितियां हैं लेकिन फिर भी बच्चा खुद से निर्णय नहीं ले पाता है आप देखेंगे कि आपके आसपास भी जो बच्चे हैं तो अगर बच्चों को कह दिया जाए सपोज क्लासरूम का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चों से कहा कह दिया जाए कि आप अपनी चॉइस की सीट पर बैठ सकते हैं बिल्कुल क्लासरूम एग्जाम्पल है तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता है और वो फटक से बैठ करके उस सीट पे चले जाएंगे जहाँ वो बैठना चाहते हैं या जिस दोस्त के साथ वो बैठना चाहते हैं लेकिन कई ऐसे होंगे जिन्हें समय लगेगा जानने में परखने में और कि मैं कहाँ पर बैठूँ लेकिन उसके अलावा भी एक ज़रूर दो तीन बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर भी शिक्षक के पास आएंगे कि आप बता दीजिए कि मैं कहाँ बैठूँ तो ये बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अपने निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें और ये जो क्षमता है अगर नहीं विकसित होती है तो आगे चल के इसकी परेशानियाँ या परेशानियों के रूप में ये जरूर हमारे सामने आ सकती हैं बिल्कुल बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों के ऊपर अपने छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए भी वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है माता पिता के ऊपर शिक्षक के ऊपर रिश्तेदारों के ऊपर भाई बहन या दोस्तों के ऊपर और ये उसकी व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को बचपन से ही सही निर्णय लेने की आदत डाली जाए उसको इस तरह से सिखाया जाए उसके लिए इस तरह की कुछ आ, एक्टिविटी प्लान की जाए, जिससे वो जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीख सके निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कारक की तो कुछ और कारकों पर भी हम विचार करना चाहेंगे कि ये बच्चे पर्सनल रेलिवेंस के आधार पर भी निर्णय करते हैं कि मेरे लिए क्या सही है गलत है दूसरों से ज़्यादा इस बात को भी सोचते हैं और साथ ही साथ इस बात को भी आ, सोच विचार कर निर्णय कई बार किया जाता है कि मेरा जो निर्णय है उससे मुझे कितना फायदा या कितना नुकसान होगा या अगर पहले मैंने कभी कोई इस तरह का निर्णय लिया था तो मेरे को उसका नुकसान हुआ था या फायदा हुआ था। एक जैसे हम लोग शिक्षकों के साथ बात कर रहे हैं तो आ, बोर्ड के बाद स्ट्रीम क्या लिया जाए सबसे बड़ा निर्णय है करियर का जो है ये सवाल जब देखता हूँ है

तो इतने में उसका दूसरा फ्रेंड उसको कहता है कि यार मैंने एनडीए की फिल किया अरे यार तूने बताया नहीं मैं भी फिल मैं कर देता तो वो एक मतलब वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि यहाँ उसकी खुद की निर्णय लेने की जो क्षमता है वो नहीं विकसित है वो नहीं जानता कि उसके इंटरेस्ट किस तरफ जा रहे हैं उसकी रुचियां किस तरफ जा रही हैं वो पियर प्रेशर के अंदर आ के वो देखना चाह रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है जबकि ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में स्पेशली जब हम बात करते हैं तो वो बहुत एक नेगेटिव ट्रेड्स बन सकता है तो इस पर शिक्षकों का काम करना बहुत ज़रूरी है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ बच्चों के सामने रखी जा सकती हैं ताकि वो खुद से उनके अंदर इस क्षमता का विकास हो बच्चे सही लें या गलत लें ध्यान दीजिएगा यहाँ ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सकता है शुरू में वो गलत डिसीजन भी लें लेकिन उसमें भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि एटलीस्ट वो ये चीज़ तो सीख रहे हैं कि वो डिसीजन खुद से लेना कैसे है धीरे धीरे हम उनको उस तरफ लेकर के जा सकते हैं कि सही डिसीजन कैसा रहेगा और सही डिसीजन कैसे लेना है लेकिन इवन इफ द चाइल्ड हैज़ टेकन अ रॉन्ग डिसीजन उसे रिडिक्यूल करने के बजाय या उसको गुस्सा करने के बजाय ज़रूरी है कि हम एक बार तो उसे ये सपोर्ट दें कि हाँ जी ये बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद से डिसाइड किया है देखिए ये जो चीज़ है ये बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है आप एरिक्सन की आप लोगों ने थ्योरी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी तो उसमें भी उन्होंने इस बारे में ज़रूर बात करी है कि बच्चे जब पाँच छः सात साल के होते हैं तो यहाँ वो कोशिश करते हैं कि वो खुद से चीज़ों को डिसाइड करें छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में अगर हैं तो वो कौन से कपड़े पहने और कौन से कपड़े ना पहने कई बार हम एज पेरेंट्स उनकी चॉइस पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपनी चॉइस उनके ऊपर लादना चाहते हैं कि यही करना है या ऐसे ही बैठना है या यही खाना खाना है तो तब आप उस बच्चे का मनोबल कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं उसे अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहे हैं कि मेरा डिसीजन ठीक नहीं था ज़रूरी नहीं है कि हर बार उस बच्चे का डिसीजन ठीक होगा अगर हम उसे खुला हाथ भी देते हैं तो लेकिन डिसीजन लेना आना तभी वो सीख पाएगा जब हम उसे ये मौका देंगे कि वो खुद से चिंतन को रोक देना है उसके बिल्कुल सही बात है अगर हम बच्चे को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं तो उसके चिंतन की प्रक्रिया में वास्तव में हम बाधा डाल रहे होते हैं जो कि बहुत ही उसके व्यक्तित्व के लिए एक नकारात्मक बात है अगर हमें उसे एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है कि उसे अच्छा इंसान बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे शुरू से इस तरह की कुछ आज़ादी दें कि वो अपने निर्णय खुद ले सके हाँ ये है कि हम बड़े होने के कारण उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि वो कोई ऐसा निर्णय तो नहीं ले रहा जिससे वो अपना ही कोई नुकसान कर रहा हो या फ्यूचर में जो है उसको लॉन्ग टर्म में जाकर उसका कोई नुकसान होने वाला है इसलिए जो है ये जरूरी बन जाता है कि हम सिर्फ उस पर एक नज़र रखें एक ध्यान रखें उस पर लेकिन हम उसको अपने निर्णय लेने से पूरी तरह बाधित ना करें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप लोग भी कमेंट्स कीजिएगा अगर कोई बच्चा ये कहता है ट्वेल्थ करने के बाद कि आगे पढ़ने से क्या फायदा नौकरी तो मिलनी नहीं जी आज कल ये बहुत ये बिल्कुल आजकल ये बहुत आ, समाज में एक प्रचलित सी धारणाओं के प्रभाव में भी बच्चा बहुत बहता है और जब एक बच उससे जो मैच्योर या उससे सीनियर कोई बच्चा जब ये बात कहता है कि भाई नौकरी तो मिलती नहीं है पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है तो वो भी अपने मन में इस तरह की धारणा बना लेता है कि पढ़ लिखने से क्या फ़ायदा नौकरी तो मिलनी नहीं है लेकिन वो ये भूल जाता है कि सिर्फ नौकरी ही नहीं और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिन जीवन में जो खुले हुए हैं लेकिन ये समझाना हम बड़ों का काम है शिक्षकों का काम है और उसको इस तरह की परिस्थितियों में डालना होगा कि वो खुद ही महसूस कर सके कि नहीं यही एंड ऑफ द लाइफ नहीं है या यही एंड ऑफ द डिसीजन नहीं है हम नहीं, इसके अलावा भी कि आगे कितना टॉक्सिक थिंकिंग है ये बिल्कुल, बिल्कुल सर और, और इस... आपने तो कुल्हाड़ी मार ली पूरी तरह से बिल्कुल साथ ही साथ ना सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम बच्चों को वहाँ भी कहीं बांध रहे हैं जब हम कह रहे हैं हमने पढ़ाई को नौकरी से जोड़ के रखा हुआ है यहाँ ये भी हमें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर विकसित करनी चाहिए चीज़ कि हम जब शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा का एम सिर्फ नौकरी नहीं है शिक्षा का एम अपने आप को बेहतर जानना भी है अपने आप को बेहतर बनाना भी है समाज को बेहतर बनाना भी है सी सर uh, मुझे ध्यान है कि जब हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे तो उस वक्त एक टाइम था जब सारी लड़कियां नौकरी नहीं किया करती थी एक नोशन बहुत स्ट्रांग था hmm. तो भी मुझे ध्यान है कि हमारे बड़े कहा करते थे कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है बेटा दैट इज़ गोइंग टू एम्पावर यू हम एक बेहतर इंसान बन पाते हैं हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से और सुचारू तरीके से चला पाते हैं साथ ही साथ जो मैम ने कहा वो बहुत सही बात है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी करेंगे आज तो हम बारी बारी ये बात करें कि आप वैसे बनिए कि आप नौकरी देंगे आप सिर्फ वहाँ तक मत रुकिए कि आप नौकरी आ, करेंगे इतना गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं तो वो ज़रूरी है बच्चे को इस तरह की चीज़ समझाना कई बार उनके तर्कों के आगे हम विवश भी हो जाते हैं कि हम और क्या तर्क दें और उसमें कोई गलत मतलब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लेकिन फिर भी एक बार तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम वहाँ उसको रोकें ना और इसकी शुरुआत कहीं अगेन वही शुरुआत से ही करनी पड़ेगी कि हम शुरू से ही बच्चों को ये चीज रखें कि जब वे पढ़ रहे हैं वो हम अपने लिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं मुझे भी मतलब उसमें उत्तर ये भी है कि अगर आप मेहनत करके पढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे ये बिल्कुल ये तो आज का एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस तरह का कुछ देखने में आ रहा है कि शॉर्टकट्स अपनाने की आदत तो बहुत ज्यादा पड़ गई है और निर्णय लेने में भी शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं बच्चे और आराम यानी जिसमें ईज है, है और कोई मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ता ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती है तो जो इजिली अवेलेबल है बस उस निर्णय को आप ले लीजिए जैसे हम अभी आप सब ने बात की कि हमारे फ्रेंड ने ये किया तो मैं भी ये कर लू मेरे भाई बहन ने ये किया तो मैं भी ये कर लूँ या मेरे किसी और रिश्तेदार में एक समाज का प्रेशर बहुत है समाज का प्रेशर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अभी इसको और विषय शिक्षार्थियों काफी रोचक है हम ब्रेक के बाद आते हैं इसी चर्चा को जारी रखेंगे educated India. शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस ध में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम अदंद साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32. शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर आरोप टीवी आरोप पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वार्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच, पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा करने राहों को आलोकित करने धन साधन धन्स समय की सीमा से i can't lot to it, Lord, say. ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका जैसा कि आपने पहले चर्चा में सुना कि हम लोग चिंतन प्रक्रिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से चिंतन क्षमता का विकास किया जाए उस पर भी हमने चर्चा की चिंतन क्षमता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो मैं प्रिया मैडम से चाहूँगा कि उसी चर्चा को आगे बढ़ाएं जी सर हम बात कर रहे थे सामाजिक प्रचलित धारणाओं की जो प्रभावित करते हैं हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को जैसे आप देखिए कि समाज अगर कोई एक तरफ जा रहा है कोई कार्य कर रहा है तो हम भी कोशिश करते हैं कि उसी तरफ बहना शुरू हो जाए जैसे आप अगर हम करियर से संबंधित ही बात करें तो एक दौर था जब साइंस को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था और हर बच्चा साइंस विषय की तरफ भागता था बीच में एक दौर आया जब कॉमर्स का प्रचलन हुआ और ज़्यादातर बच्चे जो है कॉमर्स की तरफ जा रहे थे अभी का जो दौर है वो जब प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू हुए तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ भागना शुरू हुए और उसमें भी फिर डॉक्टर इंजीनियर फिर बी का दौर शुरू हुआ या और इस तरह के कई विषयों के, के दौर शुरू हुए ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता उसको लो लेवल का माना जाता था और ज़्यादातर बच्चे जो है उस कोर्स में जाने के लिए अवॉइड करते थे या बच्चों को ये पर माता पिता को भी और बच्चों को भी ऐसा लगता था कि अगर हमने ह्यूमानिटीज़ सब्जेक्ट लिया विषय लिया तो हमें जो है कम इंटेलिजेंट माना जाएगा और उसको जो है अवॉइड करने की कोशिश करते थे या अगर हम एडमिशन ले भी लेते थे तो छुपाने की कोशिश करते थे मेरा कहने का मतलब है कि समाज में जो धारणाएं बनी हुई हैं या जिस तरह का दौर चल रहा है वो भी बच्चे को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है दबाव डालता है और बच्चे उससे प्रभावित होकर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं चाहे उनमें उस प्र, उस कार्य के लिए क्षमता हो या ना हो योग्यता हो या ना हो या उसकी रुचि हो या ना हो घर में मान लीजिए की बड़ा भाई है जी छोटी बहन है जी तो सीधा प्रभाव पड़ता है बिल्कुल स, सब कहेंगे कि उसने ये पढ़ाई की और तुम ये पढ़ाई कर बिल्कुल, रहे बिल्कुल ये तुलना तो तुलना तुलना होना ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं ऐसे कहूंगी क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है hmm. उसकी अपनी पसंद नापसंद रुचि योग्यता है लेकिन हम उसका ध्यान ना रखते हुए जैसे मैंने कहा कि समाज के बहाव में बहना शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे के लिए या हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है और इसी से बच्चे के निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और वो एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में आ जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं माता पिता का सम प्रेशर है समाज का प्रेशर है पीयर ग्रुप प्रेशर है और मेरी अपनी क्षमताएं हैं मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं लेकिन मेरी अपनी लिमिटेशंस पर इतनी बात नहीं होती जितने कि और तरह के दबाव पर बात की जाती है और उन्हीं के दबाव के आधार पर मेरे निर्णय कई बार प्रभावित हो जाते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे निर्णय को प्रभावित करता है और इसीलिए कई बार हमें इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं जिनको हम अच्छे निर्णय तो नहीं कह सकते लेकिन मैं दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय ले रही हूँ Uh, माता पिता को खुश करना है दोस्तों को खुश करना है अगर मुझे उनकी कंपनी में रहना है या समाज को दिखाने के लिए मैं ऐसे निर्णय ले रही हूँ कि मेरे को जो है ये समाज में स्वीकृति मिले समाज मेरे को जो है एक अच्छी नज़र से देखे निगाह से देखे और ये कहे हाँ हाँ आप जो है बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं चाहे वो निर्णय मेरे लिए लॉन्ग टर्म में कितना भी नुकसानदायक क्यों ना हो तो ये एक जो कारक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक इसके बाद और कौन से बिंदु हम बताना चाहेंगे शिक्षकों को आ, मुझे लगता है कि अब हमें वहां लेकर के जाना चाहिए कि हम जो ये निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करें कि उसके क्या क्या स्टेप्स हैं कुछ निर्धारित स्टेप्स हैं यदि हम ये इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना डिसीजन लेते हैं चाहे कोई भी हो और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को हमें सिखाना होगा कि हम किस तरीके से ले रहे हैं तो यदि आपको ये ज्ञान होगा कि किस तरीके से लेना चाहिए या किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये स्टेप्स बहुत लूज हैं हम ऐसा नहीं कह रहे कि हर प्रॉब्लम के लिए या हर वक्त जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है तो आपको ये सारे स्टेप्स से गुजरना ही पड़ेगा कई बार हम स्टेप्स को मिस भी कर सकते हैं या कई बार एक से दो स्टेप्स को हम कंबाइन भी कर पाते हैं एनीवेज़ जब हम पहले डिसीजन लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उस सिचुएशन को समझाइए समझिए और समझाइए अपने आप को कि वो सिचुएशन क्या है और उसका डिज़ायर्ड आउटकम यानी आप जो चीज़ चाहते हैं उसमें से वो क्या है जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक हम सही निर्णय की तरफ नहीं जा सकते आमतौर पे हम सिचुएशन डिस्क्राइब कर भी लेते हैं लेकिन हम आउटकम क्या चाहते हैं यानी उसमें से हम क्या निकाल लेना चाहते हैं वो शायद हमें उतना क्लियर नहीं होता अगेन बिकॉज ऑफ़ दो अदर फैक्टर्स जैसे मैम जिक्र कर रहे थे आपका व्यक्तित्व हो, हो गया आपकी आयु हो गई समाज में जो प्रचलन चल रहा है इस वक्त जो प्रचलित धारणाएं हैं वो हो गई तो ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं और आप देखेंगे डिसीजन लेने की हर स्टेप पे हमें प्रभावित कर रहे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको पहले स्टेप पे दिखेगा जब हम बात करें कि आप वो परिस्थिति को डिस्क्राइब कीजिए जो भी सिचुएशन आपके सामने आई है साथ ही साथ उस परिस्थिति में से आउटकम क्या निकालना चाहते हैं वो डिसाइड कीजिए जैसे उदाहरण के तौर पे लेंगे कि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि आपके पास आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं और आपने बच्चों से ही बात करें कि बच्चों को हम बाहर लेकर के गए हैं खाना खाने के लिए और बच्चों से हमने कहा है कि आप चूज़ कीजिए कि आप क्या खाना चाहते हैं तो वो मेन्यू कार्ड देखता है और मेन्यू कार्ड पर फ्रेंच फ्राइज भी दिए हुए हैं कॉर्न भी दिया हुआ है सूप भी दिया हुआ है चपाती भी दी हुई है नाउ वट इज़ हैपनिंग इज यहाँ उस बच्चे को ये सिखाना है सपोज़ वो डिसाइड करता है कि उसको फ्रेंच फ्राइज खाने हैं तो जो भी उसके साथ है वो उससे बात कर सकता है कि आप आप पेट भरने के लिए आए हो या आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए आए हो तो डिज़ायर्ड आउटकम को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कीजिए कि आप मेन्यू में क्या लेना चाहते हैं माने आप कई बार हम सिर्फ स्वाद के लिए कुछ चीज़ों को खाते हैं और कई बार हम आ, स्वाद से ज़्यादा पेट के लिए खाते हैं कि मुझे भूख कितनी लगी है मैं उस हिसाब से खाना चाहता हूँ तो वो आउटकम को ध्यान में रखते हुए वो मेन्यू में से डिसाइड करे कि वो क्या खाना चाहता है uh, यहाँ पर सर मैं कुछ और बात भी बोलना चाहूँगी कि जब हम ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान से जुड़ा हुआ एक पहलू है यानी आपके पास एक समस्या आई है और अब आप आपने उसका समाधान खोजना है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर हमें बच्चों को सिखाना है कि किस तरीके से आपने निर्णय लेना है तो हमें उसको एक समस्या देनी होगी एक समस्या उसके सामने प्रस्तुत करनी होगी और उससे संबंधित जितने भी समाधान हो सकते हैं वो उसके आसपास हमें रखने होंगे ताकि उन समस्या को देख फिर वो उससे समाधान सोचे और खोजने की फिर कोशिश करें यहाँ पर मैं दो घटनाओं या कहानियों का जिक्र करना चाहूँगी जैसे आपने कहानी पढ़ी है प्यासा कौवा एक प्यासा कौवा है जंगल में आता है उसे प्यास लग रही है जंगल में उसे एक घड़ा दिखाई देता है और जब वो घड़ा देखता है उसमें थोड़ा सा पानी है अब वो सोचता है कि ये पानी में तो मेरी चोंच जाएगी नहीं तो मैं क्या करूं और उसने आसपास जब नज़र घुमाता है तो वो देखता है कि बहुत तरह के कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर वो अपनी थिंकिंग अप्लाई कर रहा है ये हमारा जो टॉपिक है उससे बिल्कुल बहुत ही सटीक उदाहरण है ये और बहुत सारे मतलब उसके समाधान वहाँ पर है अब वो अपना थिंकिंग अप्लाई करता है और एक एक कंकर चुन के उस घड़े में डालता है और पानी ऊपर आता है और पीकर जो है वो अपनी प्यास बढ़ा कर चला जाता है ये एक पहलू हुआ समस्या समाधान यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का दूसरा एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे कॉगनेटिव साइकोलॉजी में सिखाया भी जाता है कि एक बंदर को हमने एक कमरे में बंद किया और केले ऊपर लटका दिए और पाँच छः हमने उसे समाधान दे दिए डंडी भी रख दी एक कुर्सी भी रख दी या और भी दो तीन चीज़ें रख दी अब हमें देखना है कि बंदर जो है उन केलों तक कैसे पहुँचता है यानी समस्या है कि केले तक पहुंचना है और समाधान है कुर्सी है डंडा है या और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उसको लेनी है और वो निर्णय करता है कि मैं किस कम से कम समय में कम से कम एफ़र्ट्स के द्वारा किस तरह का जो है समाधान चुनूं कि मैं उन केलों को प्राप्त कर सकूं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बच्चे को परिस्थितियाँ दें समस्याएँ दें और उनके ऑल्टरनेटिव्स या संभावित ऑप्शंस भी उसको साथ साथ प्रस्तुत करें ताकि वो उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चुन सके और बेस्ट ऑप्शन को चुन के निर्णय ले सके उसमें साइकोलॉजी में ट्रायल एंड एर थोरी बिल्कुल है। बिल्कुल ट्रायल एंड एरर भी न? है लेकिन ट्रायल एरर कितना इस्तेमाल किया जाए ये भी ज़रूरी है लेकिन वहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है कि शुरू में छोटी मोटी गलतियां भी करेगा लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आएगा कि अगर मैंने बार बार इन गलतियों को रिपीट किया तो मैं पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता जैसे छोटे बच्चों में देखा मैंने कि कैंडल अगर दीपावली में आप जलाइए मना कीजिए कि नहीं छूना है हाथ जल जाएंगे <laughs> बिल्कुल बिल्कुल तो जरूर छूने जाते हैं जरूर छूने क्योंकि वो अनुभव नहीं हुआ होता है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो अनुभव उन्हें नहीं हुआ कि सचमुच उसको छूने से आग मतलब आपका जलेगा या कुछ तो इस तरह की चीज़ के लिए अच्छा रहेगा कि यदि हम अपने किसी भी तरीके से बिल्कुल हम ऑब्वियसली हम उनको कैंडल तो नहीं दे सकते कि तुम जला लो हाथ पे या कुछ कर लो बट हम ऑल्टरनेटिव रख सकते हैं जैसे पतीला गर्म है तो आपने उसको छूने दिया है अब वो उस तरह की जलन नहीं देगा जिस तरह की कैंडल जलने से लेकिन अंदाजा ज़रूर लग जाएगा कि इससे इस तरह का अनुभव होता है तो ये ये जो अनुभव चीज़ है ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जब हम बच्चे को निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित करना चाहते हैं तो हम वही वापस आएंगे जब हम निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं जो हम प्रक्रिया एक निर्णय लेते हुए लेते हैं तो पहला स्टेप हम बात कर चुके थे कि डिफाइन द सिचुएशन और उसमें से किस तरह के आउटकम्स आप निकालना चाहते हैं सेकेंड स्टेप आएगा कि आप बच्चे को शोध करने दीजिए और उसको ऑप्शन आइडेंटिफाई करने दीजिए जैसे कि मैम ने एग्जाम्पल लिया कि आपने एक पिंजरे के अंदर एक बंदर बंद किया और बंदर के पास चार पांच छह चीज़ें रखी हैं कि एक उसी कमरे के अंदर एक कुर्सी पड़ी है एक मेज पड़ा है एक डंडा पड़ा है एक पत्थर पड़ा है तो अब वो बदला बंदर जो है वो उसको उस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं कि वो रिसर्च करेगा वो ऑप्शंस ढूंढेगा कि उस केले तक पहुंचने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं रिसर्च यानी शोध यानी सोचना कि आपके पास एक से ज़्यादा कौन सी ऑप्शन है पहले वो ढूंढिए तो सही पहले ये मौका तो हम दें कि हम ऑप्शन ख़ुद से बच्चे को मौका दें देखिए कई बार आ, हम एज पेरेंट्स जो गलती करते हैं या हम एज़ टीचर्स जो गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं उन्हें सोचने का मौका नहीं देते हम जल्दी से आंसर बताने की जल्दी में रहते हैं आप छोटा सा एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग का सामने ले लीजिए अगर आपने स्टेटमेंट प्रॉब्लम ली है और आपने बच्चे को बोला है कि इसको सॉल्व करना है तो हमें से बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनके ये पेशेंस नहीं होते कि पहले वो बच्चा बताए कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और फिर हम उसको बताएं कि भाई कौन सा करेक्ट है या उसको ही बच्चे को ही मदद करें कि वो करेक्ट पे पहुंचे हम हमें से कई लोग उन्हें पहले ही आंसर बताने पे आ जाते हैं तो जैसे आप देखेंगे हर स्टेप पर हम बारी बारी यही बात करेंगे कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए कि वो खुद से इन चीज़ों को करे हम जब डिसीजन लेते हैं तो हम भी यही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो यदि बच्चे को भी अगर हम चाहते हैं कि वो डिसीजन करेक्ट ले और सही तरीके से लेने की क्षमता उसमें विकसित हो तो उसको भी मौका दीजिए कि वो इन सब स्टेप्स से गुजरे हमें हम... जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्जाम्स में सुना है मैंने कि उसमें भी एक दो स्टेप्स बता दिए गए बाद का आप कीजिए तो इस तरह से क्वेश्चन भी होते हैं बिल्कुल ना? इस तरह के प्रश्न होते हैं कि बच्चे को जैसे कहानी है शुरुआत में आपको दे दिया और उसके बाद आप खुद पूरी करिए और सोचिए उसके बारे में कि कहां तक आपने पहुंचना है और उसका क्या एंड संभावित अंत जो है क्या हो सकते हैं जी तरह मैथ्स में भी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसका एक पार्ट तो बता दिया उसमें और उसके बाद आगे के दो पार्ट्स कीजिए आप अच्छा इनफैक्ट यहाँ मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि एक नई चीज देखने को मिली और बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि जहां पर उत्तर दे दिया गया और प्रश्न सोचने को कहा गया है जैसे एक उत्तर दे दिया गया कि द सम ऑफ टू डिजिट्स यानी दो अंकों का सम जो है वो ग्यारह है तो वो दो अंक बताइए hmm. अब इसमें कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया भी अगर हम टीचर्स क्लासरूम के अंदर करती हैं तो वो बच्चे को मौका दे रही है कि एक से सोचे। हमारा ना आमतौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच बनी हुई है कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है जबकि ऐसा जरूरी नहीं है इस सोच को विकसित करने की जरूरत है कि एक प्रश्न के कई उत्तर भी हो सकते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस में कई उत्तर हैं आप आप सर छोटे से छोटा एग्जाम देख लीजिए अब जैसे अभी पीजे सी हुआ है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो आप लोगों में से कई लोगों ने दिया होगा तो वहाँ प्रश्न आप देखेंगे तो आपको वो चारों ऑप्शंस ठीक लग रही और वो चारों ऑप्शंस ठीक होती भी हैं लेकिन उसमें से सबसे उत्तम कौन सी है उस तक हमें लेकर के जाना है डिसीजन तो मेकिंग आज इसीलिए ज़्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सही उत्तर है सिर्फ एक ही सही उत्तर हो तो वहां पहुँचना आसान होता है लेकिन जब चार आपके पास सही उत्तर हैं और सही ऑप्शंस हैं तो उसमें से सबसे उत्तम को चुनना जो है या सबसे सटीक या सबसे ठीक को चुनना और ठीक किस हिसाब से जो आपको सूट कर रहा है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार मुश्किल हो जाता है इसीलिए डिसीजन मेकिंग आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है तो जैसे हमने ये दो पहले स्टेप्स डिस्कस करे अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं थर्ड स्टेप इज टॉकिंग अबाउट कि हम जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव हैं उन्हें कंपेयर करें उन्हें आपस में कंट्रास्ट करें और फिर देखें कि हर एक ऑल्टरनेटिव का उत्तर क्या निकल रहा है जैसे अगर हमने वही बात करी कि अंकों का दो अंकों का सम जो है वो ग्यारह आएगा तो आप चुनिए तो अब बच्चा जोड़ करके देखेगा कि एक और दस हो सकता है एक और नौ हो सकता है या नहीं एक और आठ हो सकता है या नहीं नहीं अच्छा नहीं हो सकता फिर दो और नौ हो सकता है तो ये इस तरीके से अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव हैं उन्हें कंपेयर करें उन्हें कॉन्ट्रास्ट करें आपस में और फिर सही उस पर पहुँचें कि क्या क्या अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं बिल और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि तब हम जो है जैसे मैम ने कहा कि कंपेयर करें कंट्रास्ट करें और उसके बाद हम अपना डिसीज़न लें यानी जो बेस्ट ऑप्शन है उनमें से उसको हम चूज़ करें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने के बाद फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं एक्शन प्लान में लाते हैं और उसके बाद जब भी रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं तो हम उसको मूल्यांकन करते हैं कि जो मैंने बेस्ट ऑप्शन सुना चुना था वो मेरी समस्या के लिए या उस परिस्थिति के लिए कितना सही या कितना गलत निर्णय रहा और इवेल्युएट करके अगर मुझे फिर से वही परिस्थिति मिलती है तो मैं इवेल्यूएशन के बेस पर आगे निर्णय को अपने को परिवर्तित कर सकती हूँ देख सकती हूँ कि मुझे आगे भविष्य में फिर कभी वैसा ही निर्णय लेना है या उसमें कुछ परिवर्तन करना है अगर मैं फिर से वैसी ही परिस्थिति में फंसती हूँ तो जी स्टेप्स हमने बता दिया शिक्षकों को इसके बाद और कौन से पक्ष हैं अब हम इस बारे में भी जरूर बात करना चाहेंगे श्योर कि नीरजा मैम भी मुझसे एग्री करेंगे कि ये बात भी समझना ज़रूरी है कि जो ये थिंकिंग का स्किल है या जो हम चिंतन कौशल की बात कर रहे हैं ये कैसे मदद करता है बच्चों को बेटर डिसीजन लेने के लिए अगर ये चिंतन कौशल का ही विकास बच्चे के अंदर नहीं हुआ होगा तो वो बेटर डिसीजन नहीं ले पाएगा लाइफ में और अगेन हम सिर्फ डिसीजन लेने की क्षमता का विकसित नहीं हम सक्षम डिसीजन सशक्त डिसीजन सटीक निर्णय जो लेना है उस तक भी पहुंचना जरूरी है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि करेक्ट डिसीजन कैसे लेना है पहला स्टेप था डिसीजन लेना सिखाना और दूसरा है कि हम उसे वहाँ लेकर के जाएं जहाँ वो करेक्ट डिसीजन ले सके तो यहाँ जरूरी बन जाता है कि बच्चों के अंदर चिंतन कौशल का पूर्ण तरीके से विकास किया जाए चिंतन आप सब जानते हैं कि अलग अलग तरह के कौशल होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग होता है क्रिटिकल थिंकिंग होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है कई बार डाइवर्जन सिखाते हैं कई बार हम कन्वर्ज करना सिखाते हैं तो इन सब थिंकिंग का अपना अपना रोल है जो हम ये टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात करें इन सब कौशलों का अपना अपना रोल है और ज़रूरी है कि हम इन सब कौशलों को विकास करें क्योंकि किसी तरह की समस्या में हो सकता है क्रिएटिव थिंकिंग काम आए लेकिन हो सकता है किसी और तरह की समस्या में डाइवर्जन थिंकिंग काम आए तो ज़रूरी है कि इन सब का अलग अलग तरीके से ऐसे ऑप्शंस बनाए जाएं ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं या इस तरह के प्रश्न दिए जाएं या क्लास में आप जब बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बात करें कि इन सब कौशलों का विकास हो सके बिल्कुल सही कहा सोनू जी आपने या या ये जरूरी है कि जो भी हम निर्णय ले रहे हैं वो ब्लाइंडली हम निर्णय ना लें सोच समझकर विचार करके चिंतन करके ही हम निर्णय लें ये नहीं कि कोई हमारा दोस्त इस तरह का निर्णय ले रहा है तो हम भी वही करें या हमने कोई शकल देखकर या ब्रांड देखकर ये बहुत होता है फेस वैल्यू देखकर हम जो है निर्णय लेते हैं सर ब्रांड देखा अच्छा ये ये वाली ब्रांड है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही चीज़ लेनी है चाहे अंदर उसकी क्वालिटी कैसी भी है या मैंने सोचा कि अच्छा इसके महंगी चीज़ है तो महंगी चीज़ अच्छी होगी क्वालिटी, क्वालिटी होगी उसमें ये बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह से ऐसी बातें सोच हम जब निर्णय लेते हैं तो नेचुरली हम कई बार बहुत ही हमें पछताना पड़ता है तो हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए किसी को निर्णय लेते वक्त ब्लाइंडली डिसीज़न नहीं लेना है पूरा सोच समझ कर चिंतन करके डिसीज़न लेना है किसी भी वस्तु की या परिस्थिति की फेस वैल्यू पर हमें डिसीज़न नहीं लेना है और डिसीज़न लेते वक्त हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि मैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में हूँ लेकिन मैंने उसके विचार विमर्श अच्छी तरह से किए उसके संभावित समा समाधानों पर और विचार विमर्श करते करते मुझे लगता है कि मैं एक निर्णय की तरफ जा रही हूँ लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये निर्णय बीच में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अगर मैं ये निर्णय लेती हूँ तो वो शायद सही नहीं रहेगा या मैं निर्णय ले चुकी हूँ तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं वो सही नहीं रहा है तो मेरे को इतना फ्लैक्सीबल होना चाहिए कि मैं अपने उस निर्णय को बदल सकूँ उसे सही कर सकूँ और मुझे उसके लिए शर्माने की या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या कहेगा अगर मैंने कोई निर्णय बदला है परिवर्तित किया है इसी तरीके से हमें जितने भी ऑप्शंस हैं जैसे हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं समस्या के या किसी भी परिस्थिति के बारे में निर्णय लेने के हम बहुत सारे समाधान के बारे में सोचते हैं और उसमें से जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होता है उसे हमें चुनना चाहिए अभी तो, देखिए जैसे छोटे बच्चे हैं उनके एडमिशन को लेकर बड़ी दुविधा होती है जी कि कौन सा स्कूल चुने बिल्कुल, बिल्कुल है ना और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव बच्चे के मन पे भी पड़ता है बिल्कुल है ना आपने तय तो कर लिया कि इस स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे जब आपस में बाद में बातचीत करते हैं तो ये निकल के आता है कि इससे बेटर तो वो था स्कूल बिल्कुल बिल्कुल है ना और इवन सर यहाँ पर भी जैसे कि हम पहले भी बात करें भी बात करे थे इस बारे में कि हम जो वो प्रचलित धारणाएं हैं अगेन वहाँ जरूर फंस जाते हैं या ब्रांड वैल्यू पे जरूर फंस जाते हैं कि आमतौर पे अरे मैंने इस स्कूल में डाल दिया मैं जानती हूँ मेरे बच्चे की क्षमता कैसी है या मेरा बच्चा किस तरीके से ज़्यादा खुश रहेगा या किस तरीके से ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा लेकिन फिर भी वो जो आ, एक जनरली हर शहर में कुछ प्रचलित अच्छे स्कूल होते हैं सो so कॉल्ड अच्छे hmm. स्कूल जिनका नाम चल जाता है तो आमतौर पर एक प्रेशर रहता है कि उसी स्कूल में बच्चों को डाला जाए तो मैं मैं अगर अपना भी एज ए माता अगर मैं बात करती हूँ एज ए पेरेंट मैं बात करती हूँ तो बहुत मुश्किल हुई उस वक्त क्योंकि घर में भी परिवार में भी सब लोग वही पुश करते हैं कि वो स्कूल अच्छा है वो स्कूल अच्छा है कोई नहीं पढ़ा वहाँ पर आपके घर का लेकिन वो स्कूल अच्छा है क्योंकि शहर में उस स्कूल का नाम है तो ये जो एक प्रक्रिया है अगर हम इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो कई बार हम उस तरह के डिसीजन नहीं ले पाते या उस तरह के निर्णय नहीं ले पाते जो आपकी परिस्थिति में आपको बेस्ट सूट करता है तो ज़रूरी है कि उन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठा जाए फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए और साथ ही साथ कि हम सारी ऑप्शंस को अच्छे से स्टडी करें और आप बच्चे को, भी बच्चे को जरूर सिखाएं ये हर पेरेंट का दायित्व तो है और टीचर का भी दायित्व तो है कि स्कूल की इस डेवलपमेंट में एक सीमाएं होती हैं जी बिल्कुल बच्चे का अपना परिश्रम उसकी लगन लगन बिल्कुल, पेरेंट्स बिल्कुल। कितना ध्यान दे रहे हैं कई फैक्टर्स मिलके सफलता दिलाते हैं बिल्कुल सर निर्णय लेने की प्रक्रिया सिखाना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि एक अच्छा निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही एक अच्छा नागरिक हो सकता है और हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो अच्छे नागरिक बनाना बहुत ज़रूरी है और एक आ, व्यक्ति जो सही डिसीज़न ले सकता है वो एक सही सरकार चुन सकता है सही किसको वोट देना है किसको नहीं देना है सोच समझ कर वोट देना है यार एक अच्छा नागरिक इस देश को अच्छी तरह से आगे ले जा सकता है और यहाँ पर स्कूलों का रोल और शिक्षकों का रोल इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि हमारे आज के बच्चे ही कल के नागरिक होंगे और जैसे नागरिक होंगे वैसा ही देश बनेगा और छोटी छोटी एक्टिविटी करवा कर हम बच्चों को शुरुआत करवा सकते हैं जैसे सोनल जी ने भी पहले बोला था कि हम बच्चों को शुरुआत से ही जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिखाएं छोटी छोटी एक्टिविटी करा सकते हैं उदाहरण के तौर पर मैं एक, एक एक्टिविटी जैसे यहाँ पर देना चाहूँगी कि बच्चे को कहीं जाना है और उसके पास आपने दस ऑप्शन या पांच ऑप्शन दिए कि आप गाड़ी से जा सकते हो आप रिक्शा से जा सकते हो आप मेट्रो से जा सकते हो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो लेकिन घर की गाड़ी आपको इस्तेमाल नहीं कर रही है तो आप सोचिए कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर हो सकता है तो मुझे लगता है इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है बहुत हेल्प कर सकती हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया सिखाने के लिए जी तो शिक्षार्थियों अभी एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ये जो चिंतन प्रक्रिया के बारे में चर्चा है वो आगे भी जारी रहेगी स्वयं डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस ध्य में जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डी डी, डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस टीवी पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वार्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर कर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित बागदा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच, पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा

का अब एक बार ही क्यों मिलता शिक्षार्थियों पुनः आपका स्वागत है ब्रेक के पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि निर्णय लेने के लिए बच्चे को कैसे तैयार करें और वह सही निर्णय कैसे ले सके सक्षम कैसे बन सके वह निर्णय लेने में उसी क्रम में आगे हम चाहेंगे कि प्रिया मैडम आप बताएं कि प्रश्न पूछने की कला बच्चों में किस तरह से विकसित करें कैसे करें और चिंतन प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है बिल्कुल सही है सर सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि प्रश्न पूछना एक कौशल है और उसको कैसे विकसित किया जाए लेकिन प्रश्न पूछना क्यों ज़रूरी है देखिए जैसे आप सभी को मालूम है कि ये कहा जाता है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सोचता है विचार करता है प्रश्न पूछता है उसमें जिज्ञासाएं हैं और जहाँ पर जिज्ञासाएं हैं वहाँ पर प्रश्न है और जहाँ प्रश्न है वहाँ पर प्रश्न पूछने का कौशल होना भी ज़रूरी है जो प्रश्न मेरे मन में आया उसका वही उत्तर हो जो सही है या सटीक है तो ये मैं तभी प्राप्त कर पाऊँगी जब मेरे को प्रश्न पूछना आन, आता हो जब मैं ये जानती हूँ इस कला का या इस कौशल का मेरे अंदर विकास है कि मैं एक सही प्रश्न किस प्रकार से पूछूँ सटीक प्रश्न और सटीक उत्तर ये मुझे मिले तो इसका विकास करना आज के समय में शिक्षक और शिक्षा दोनों का उत्तरदायित्व बन जाता है कि बच्चे को प्रश्न पूछना सिखाया जाए मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है उसमें जिज्ञासा है तो बच्चे में भी जिज्ञासा है उसमें भी चिंतन है और बच्चे की जिज्ञासा को कैसे बढ़ाया जाए जगाया जाए किस तरीके से उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि वो प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछे तो ऐसा प्रश्न पूछे जो वो जानना चाहता है उसका सही जवाब मिले अभी कल का मैं एक जिक्र करना चाहूँगी कि एक छोटी सी कहानी मैं यूट्यूब पर देख रही थी और उसमें यही कहानी थी कि प्रश्न पूछना एक बच्चा अपने घर वालों से और अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे हर चीज़ के लिए प्रश्न पूछता है और एक वो रास्ते में जा रहा होता है वो देखता है कि एक जगह एक व्यक्ति आग जला रहा है और वो फूंक मारता है और आग जल जाती है आगे वो थोड़ा बढ़ता है तो वो देखता है कि एक औरत माचिस की तिल्ली से आग जलाती है और तिल्ली को फूक मारती है तिल्ली बुझ जाती है और वो बहुत ही कन्फ्यूज है भाई दो बातें हैं एक तरफ जो है आग जलाई जा रही है फूक मारकर और दूसरी तरफ आग बुझाई जा रही है फूक मारकर तो उसके मन में बड़े विचार आते हैं कि ये क्या है फूँक तो एक ही है लेकिन उसके कार्य दो हैं तो उसके मन में ये विचार आता है प्रश्न आता है कि इसका उत्तर किससे ढूंढा जाए और कहीं भी उसको इसका प्रश्न का उत्तर जो है सही ढंग से नहीं मिल पाता तो उसके मन में जो है कुल बुलाहट रहती है उसके मन में जो है ये बेचैनी रहती है कि किससे मैं इस प्रश्न का उत्तर पूछूँ तो प्रश्न पूछना जिज्ञासा को बढ़ाता है और जिज्ञासा जानने की भूख को बढ़ाता है और जानने की भूख आपको ज्ञान की तरफ लेकर जाता है आपको एक आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे में क्वेश्चनिंग स्किल को बढ़ावा दिया जाए उसका विकास किया जाए और इसके लिए शिक्षक और शिक्षा दोनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इसमें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा की ये हालांकि अच्छी बात नहीं है कि कई शिक्षक पसंद नहीं करते बिल्कुल ये प्रश्न पूछा जाए तो ये जरूर समझना चाहिए कि जब बच्चा प्रश्न कर रहा है इसका मतलब कि वो चिंतन प्रक्रिया में शामिल हो रहा बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। केवल ऐसा कि आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न पूछ रहा है ऐसा नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि डिफरेंटली सोचना बिल्कुल थोड़ा अलग तरीके से अगर हम सबके पास ही बहुत कुछ है कहने के लिए सर बच्चे का जब विकास हो रहा होता है वो बचपन से उठ करके के जब थोड़ा बड़ा हो रहा है चिंतन कौशल का विकास हो रहा है पी की थ्योरी हम सब ने पढ़ी है सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशन की तरफ जा रहा है तो ये वो स्टेज है जहाँ नेचुरली जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है भाषा के ऊपर उसकी पकड़ अभी अभी आई है तो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता भी है घर में भी आप देख लीजिए जो एक चार पाँच छः साल का बच्चा होता है वो आपसे बहुत प्रश्न पूछेगा ये ऐसे क्यों हुआ आप वहाँ क्यों गए थे ये ऐसे क्यों है सूरज वहाँ क्यों है तो ही वुड हैव नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके पास बहुत प्रश्न है और यही सही समय है जब हम उसके प्रश्नों को और उभार सकते हैं या सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं कि, कि किस तरीके से इन प्रश्नों का सही प्रयोग किया जाए किस तरीके से वो सही भाषा से उन प्रश्नों को पूछे ताकि उसे सटीक उत्तर मिल सके उन प्रश्नों के यही चीज़ क्लासरूम में भी रिपीट होनी चाहिए बट कई बार हम एज अडल्ट परेशान हो जाते हैं उनके प्रश्नों से क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं और हम उन्हें दबाने लग जाते हैं जाने और अनजाने दोनों तरीके से कई बार आप उनके प्रश्नों का उतनी रुचि से उत्तर नहीं देते जितनी रुचि से वो प्रश्न पूछ रहे हैं कई बार हम स्नप कर देते हैं कि नहीं ये तुम्हारे मतलब का नहीं है या तुम्हें इससे क्या करना है बस या गुस्से से आपने जवाब दिया तो जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपने उसकी जो प्रश्न जो उठ रहे थे उसके मन में आपने उन्हें दबाया है और यही चीज रिपीट होती है क्लासरूम के अंदर भी कई बार कई शिक्षक ऐसे होते हैं जैसे कि सर ने जिक्र किया जो नहीं पसंद करते कि बच्चे प्रश्न पूछे और आजकल के क्लासरूम में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि बहुत हम कंट्रोल्ड एनवायरमेंट चाहते हैं माने आ, मैं बहुत हैरान होती हूँ इस चीज़ पे कि कैसे ऐसे स्कूल्स मैनेज करते हैं कि एक स्कूल में अगर पाँच सेक्शन है तो पांचों सेक्शन में अगर एक विषय की बात करें तो सेम ही काम हो रहा है सेम ही तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेम ही तरह के उत्तर लिखवाए जा रहे हैं तो आप एक सेक्शन की जगह दूसरे सेक्शन की नोटबुक उठाइए आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं मिलेगा तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों के बीच में कि बच्चे भी सारे पाँचों सेक्शन में एक जैसे हैं ऑब्वियसली नॉट बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे और प्रश्न पूछना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है ये जैसे मैंने कहा कि आपके व्यक्तित्व का विकास करता है और जिस वक्त व्यक्ति के मन में जिज्ञासा आना बंद हो जाती है वो प्रश्न पूछना बंद कर देता है तो इसका मतलब है कि उसका विकास रुक गया है वहीं पर ही रुक गया है और एन सी की भी बात करें और अगर हम आज के समय के शिक्षा की बात करें तो अब हमारी जो शिक्षा है ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं रही शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं रही अब ये छात्र केंद्रित शिक्षा है जिसमें छात्र महत्वपूर्ण है वो केंद्र में है और जब हम छात्र केंद्र शिक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि छात्र को हमें इतनी छूट देनी है इतना प्रोत्साहन देना है इतना उसको बढ़ावा देना है मोटिवेट करना है कि वो हमसे प्रश्न पूछे और हम उनके जवाब दे सकें आपने बिल्कुल सही कहा सोनल जी कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो ये नहीं चाहते कि बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछे उसके कई कारण हो सकते हैं उसका अपना सिलेबस पूरा करना है उसका दबाव भी हो सकता है या उसकी अपनी समझ या उसकी अपना ज्ञान कम है उस भी वो बच्चे को डिसकेज करता है कि आप प्रश्न नहीं पूछो या उसे भागने की जल्दी होती है या उसे लगता है कि बच्चा जो प्रश्न पूछ रहा है वो रेलेवेंट नहीं है रेलिवेंट क्वेश्चन है और जिसका भी हो सकता है, कई बार कुछ बच्चे जानबूझ के तंग करने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं परेशान करने के लिए भी जी 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 लेकिन इसलिए भी जो है वो ऐसे शिक्षक होते हैं जो उन्हें डिस्क्रेज करते हैं बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए लेकिन ये तो हम कहेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस एक बताऊंगा कि फर्स्ट डे मैं एक स्कूल में गया बहुत रेनॉन्ड स्कूल था फर्स्ट डे पढ़ाने जी तो कम एज होती है तो बच्चे टेस्ट करते हैं टीचर का जी, बिल्कुल जी, ये कि आ, आता कितना है इनको जी तो उन लोगों ने आ, किताब टेबल के नीचे रखी और उसमें से हर चैप्टर से बीच बीच में से कहीं से भी कठिन शब्दों पूछना अर्थ पूछना या उसके अलावा व्याकरण पूछना कि जहाँ पे मतलब मुश्किल होती है उसको पता है तो पूरी 45 मिनट का इंटरव्यू तो कम हुआ था लेकिन वहाँ बच्चों ने ज़्यादा इंटरव्यू लिया तो कभी कभी ऐसा भी होता है बिल्कुल सर मुझे मुझे भी आपकी बात से अपनी क्लास का एक सीन याद आया हमारे एक टीचर हुआ करते थे साइंस के टीचर थे और वो उनका जो प्रोनासीशन था वो हमसे थोड़ा भिन्न था हम लोग इधर हिंदी भाषी हैं और वो लोग साउथ से थे तो उनकी प्रोनासीशन अंग्रेजी की प्रोनासीशन भी थोड़ी अलग थी तो वो मैक्सिमम की स्पेलिंग जब बताया करते थे हमें तो कहते थे एम एक्स आई एम यू एम और वो इतना क्लास में एक मजेदार सी चीज बन गई थी कि हर क्लास में एक बार मैक्सिमम की स्पेलिंग और एक बार मिनिमम की स्पेलिंग ज़रूर पूछी जाती थी क्योंकि देखिए इवन विथ दैट बट मैं हेड्स ऑफ कहती हूँ उस टीचर को कि आज तक उन्होंने कभी स्नप नहीं किया था हमेशा वो उतनी ही आराम से हमें उस स्पेलिंग का बताते थे और क्या हुआ उसका परिणाम कि थोड़े समय बाद हमने भी वो प्रश्न पूछना या वो जो एक मजाक ही बन गया था उसको हमने बंद कर दिया बट यही मतलब ये एक उदाहरण है कि आपकी क्लास में ज़रूर ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो शायद सिर्फ परेशान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं या आ, क्लास को वो किसी और दिशा में लेकर के जाना चाह रहे हैं जो भी डिस्कशन हो रहा है इसलिए भी पूछ रहे हैं बट मेरा मानना फिर भी ये है कि यदि शिक्षक सक्षम है

तो प्लस पॉइंट भी उसका कई कई बार होता है लेकिन जो ये चिंतन प्रक्रिया है वो तो नहीं रुकनी चाहिए किसी भी हाल बिल्कुल में। नहीं रुकनी चाहिए और इसीलिए सर ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को प्रश्न पूछना का कौशल का जो है विकास किया जाए ताकि उसके मन में प्रश्न आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आए और उनका जो है जवाब वो ढूंढे खुद भी ढूंढे और शिक्षक भी दे और उसको ये सिखाना है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं सिर्फ एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं होते कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जो हमें उसे बताना होगा कि किस समय किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है और किस तरह का प्रश्न किस कैटेगरी में या श्रेणी में शामिल होता है मुख्य कॉल, कॉल ले ले लेते हैं। हेलो हाँ, सवाल पूछिए हाँ, सर नमस्कार नमस्कार हेलो हाँ पूछिए चिंता और में है। <laughs> चिंता और चिंतन चिंतन में में क्या अंतर अंतर है? है? <laughs> चिंता <laughs> चिंता हमारे स्ट्रेस को दर्शाती है हमारी परेशानियों को दर्शाती है और जब हम चिंतित हालत में होते हैं तो हम एक कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट में होते हैं और हम कुछ भी निर्णय सही ढंग से लेने की परिस्थिति में कई बार नहीं होते हैं चिंतन एक काम कंडीशन है एक शांत प्रिय हम कंडीशन कह सकते हैं जिसमें हम अपने माइंड को अप्लाई करते हैं सोच विचार करते हैं और फिर हम निर्णय लेते हैं चिंतन चिंता के दौरान थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि किया तो जा सकता है लेकिन उसके निर्णय क्या होंगे वो अ, अलग प्रकार के हो सकते हैं भी कहा जाता है कि चिंता में बिंदी हटा दीजिए चिता है, वो। हाँ, है। चिंता चिता समान उसको कहा जाता है जबकि चिंतन जो है ये हम हर वक्त उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं हर वक्त हम चिंतन करते रहते हैं और स्ट्रेस से बाहर एक निकली विकास की प्रक्रिया है एक रोकने की प्रक्रिया बिल्कुल बिल्कुल एक रोकने की प्रक्रिया है एक और कॉल देखते हैं हेलो हाँ नमस्कार सर नमस्कार आ, नमस्कार जी पूछिए हाँ नमस्कार सर नमस्कार प्रश्न पूछने से बच्चे की चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति तो बढ़ती है लेकिन कभी कभी बच्चे में डाल देते से। ऐसी में करे? शिक्षक को मुश्किल में डाल देते हैं कई बार बच्चे प्रश्न तो पूछ के वो प्रश्न पे बहुत निर्भर करता है कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है और उससे किस तरह की परिस्थितियाँ उठ रही हैं यदि प्रश्न ऐसा है मेरा मानना ऐसा है कि शिक्षक से आ, आज के संदर्भ में तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसका उत्तर आपके पास ना हो यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप बिल्कुल विनम्रता से उस बात को मानिए कि आपके पास उत्तर नहीं है और कल आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे यानी अगली क्लास में जब आप उसके बारे में सही जानकारी इकट्ठी करके आएंगे तो आप उसका उत्तर दीजिए लेकिन किसी भी हालात में आप प्रश्न उठने की जो प्रक्रिया है उसे बंद मत कीजिए प्रश्न उठने दीजिए प्रश्न बच्चों को पूछने दीजिए यदि प्रश्न पूछने बच्चों ने बंद कर दिए तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चों ने अधिगम की प्रक्रिया में एब्सेंट वाला रोल ले लिया फिर वो उसका पार्ट नहीं है यदि हम अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि बच्चे चिंतन करें और चिंतन के लिए ज़रूरी है कि बच्चे प्रश्न करें ये भी है कि हम बच्चे को कह सकते हैं आओ मिलकर हम इसका उत्तर ढूंढते हैं हम या अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर या हम गूगल जैसे अभी आ, हमने कहा कि उसकी मदद से भी हम उसी समय उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं क्लास में भी कुछ क्वेश्चन को दे सकते हैं कि अच्छा आप लोग क्या सोचते हैं इस बाकी दोस्तों के साथ मिलकर भी हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की या उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं जैसे चैप्टर है मान लीजिए डेमोक्रेसी जी टीचर ने पढ़ाया उसकी विशेषताएं बता दी सब कुछ कर दिया लेकिन अगर बच्चा गूगल पे जाके देखता है तो उसको 50 आर्टिकल मिलेंगे उस उसमें बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत तरह की चीज़ें उसको ज्ञान मिल जाएगा तो शिक्षक तो मुश्किल में कई बार आते हैं जैसे एक छोटी सी बात है कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मैं और मेरा बेटा ही बात कर रहे थे तो उसने सडनली मुझे कहा कि ये रिज़ाइन करते हैं जो भी आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर होगा वो रिज़ाइन करेगा अगर वो रीइलेक्ट नहीं हुआ तो कहता अगर रिजाइन ना करे तो हाँ, तो फिर आप दूसरे चीफ को कैसे करेंगे और ये प्रश्न मुझे लगा कि बहुत सही प्रश्न है और इसका उत्तर फिर हमने ढूंढा कि क्या हो सकता है भाई गवर्नर उस केस में कोई एक्शन ले सकता है या नहीं बट इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के दिमाग में आए और आप आने दीजिए और आप वो मौका ढूंढिए अगर आए हैं तो मैंने किस तरीके से उसे सॉल्व करना है चाहे हम क्लास के अंदर उन सब बच्चों को उसी प्रश्न में उलझा लेते हैं या आप उनसे समय मांगते हैं कि मैं बाद में देख करके बताऊंगा, या हम कोई और स्रोत ढूंढते हैं कोई इंसाइक्लोपीडिया देख रहे हैं या गूगल देख रहे हैं जिसके सहारे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके सही उत्तर पर पहुँच सकें इसी से जुड़ा हुआ मेरे बच्चे ने पूछा कि आ... अगर जीत जाते तो रिजाइन करना होता कि yeah. नहीं <laughs> <laughs> बिल्कुल 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 <laughs> देखिए <laughs> कितने तरह के सवाल आते हैं <laughs> बिल्कुल सेम ही सिचुएशन पे सेम ah. ही सिचुएशन पे और इन जब हम उनके प्रश्न सुनते हैं तो मुझे मतलब मैं जब क्लासरूम में भी होती हूँ तो भी मुझे कई बार ये एहसास होता है और स्पेशली जब आप छोटे बच्चों के साथ होते हैं तो आपको ज्यादा एहसास होता है कि शायद आपके पास ज्ञान बहुत कम है हमें ऊपरी ऊपरी ज्ञान है चीजों का लेकिन अंदर की नॉलेज हमें भी नहीं हम बड़े खुश होते हैं जी हम तो फलाने में पोस्ट ग्रेजुएशन है या ये है या वो है बट एक्चुअल डेप्थ में अगर हम बात करें तो कई छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं पता और इन सब प्रक्रियाओं में जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो हमारे अपने भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मुझे लगता है कि वो और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं और हम बेहतर तरीके से नेक्स्ट बार क्लासरूम के अंदर जाते हैं ऐसे भी मैडम कहते हैं कि जब तक हम पढ़ते हैं तब तक ज्ञान अधूरा होता है जब पढ़ाने, जब पढ़ाने लगते पढ़ान हैं तो तब जाकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं बिल्कुल सर अब ये कॉन्सेप्ट बदल रहा है कि शिक्षक पढ़ाता है बच्चे को और शिक्षक के आ, के आधार पर बच्चे का हम पता लगाते हैं कि वो किस शिक्षक से पढ़ा था बल्कि अब उल्टा हो रहा है कि जैसे छात्र होंगे वैसा शिक्षक होगा तो यानी जो है परिस्थितियाँ बदल रही हैं और छात्र केंद्रित फिर से वही बात हो जाती है कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और छात्रों का प्रश्न पूछना चिंतन करना निर्णय लेना ये सारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का एक अंग बन चुका है और इसलिए बच्चे को प्रश्न कौशल सिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमने जा, अब और... याद आया मुझे मैंने शिक्षक से भी पूछा था जब पढ़ते थे कि इतना सारा ज्ञान आपको मिला कैसे तो उन्होंने कहा आप लोगों से मिला है मैं इतने सवाल आप पूछते थे बिल्कुल। कि उसके अच्छा विद्यार्थी है तो शिक्षक भी अच्छा होगा क्योंकि उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सर हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हम प्रश्न करने की कला सिखा रहे हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा हम हाई लेवल क्वेश्चंस और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस करना सिखाएं और क्या अर्थ है अगर हम इस पर चर्चा करें तो प्रश्न कई प्रकार के होते हैं जैसे हमने कहा और उसमें से दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लो लेवल क्वेश्चन और हाई लेवल क्वेश्चन लो लेवल क्वेश्चन का मतलब है कि वो सिर्फ ज्ञान पर आधारित है वो रिकॉल पर मेमोरी पर आधारित है और उसका एक ही सटीक आंसर हमें नज़र आता है जिसे हम आ, 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 कन्वर्जेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं डाइवर्जेंट या है, हाई लेवल क्वेश्चन का मतलब है कि एक ही प्रश्न हम नहीं पूछते हैं एक ही तरीके से नहीं पूछते हैं उसके संभावित एक ही आंसर नहीं होते हैं बहुत तरह के उसके आंसर्स हो सकते हैं निकल कर आ सकते हैं तो वो सोचने के लिए ज़्यादा हमें प्रेशराइज़ करता है हमें ज़्यादा प्रोत्साहित करता है मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रश्न पूछें जैसे मैम ने भी शुरू में कहा था कि जो हमें बहुत तरह की दिशाओं में ले जा सके लेकिन हमें सही दिशा में जाना है तो हमें ऐसा प्रश्न पूछना होगा जिसका सटीक आंसर हमें जो है मिल सके जैसे हम पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ अब इसके कितने संभावित <laughs> आंसर हो सकते हैं मैंने कहा मैं किस शहर में रहती हूँ उसके कितने संभावित आंसर हो सकते हैं मैं किस राज्य में रहती हूँ तो उसके संभावित <laughs> आ, आंसर क्या हो सकता है उत्तर क्या हो सकता है तो प्रश्न पूछना भी अपने आप में एक कला है जो हमें अपने बच्चों में बचपन से ही ये कौशल का विकास करना होगा और और इस तरह की चीज़ आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में भी इस चीज का बहुत महत्व बन जाता है कि टीचर किस तरह के प्रश्न क्लासरूम में पूछ रहा है बिल्कुल सही उदाहरण प्रिया मैम ने लिया कि आप उसको देखिए कि जवाब ये कहते हैं कि आप कहां रहते हैं और इस तरह के जवाब का ना बच्चे जो ये सात आठ दस साल की उम्र के, के बच्चे होते हैं तो उनको मजे भी बड़े आते बहुत, हैं बहुत। कि वो किस तरीके से इस प्रश्न का जवाब देंगे तो वो देंगे मैं तो दुनिया में रहता हूँ मैं तो घर में रहता हूँ तो यू वुड हैव यू वुड गेट काइंड ऑफ है और फिर आप उन्हें गलत नहीं कह सकते वो गलत नहीं कह रहा तो आपके प्रश्न भी सही रूप में जाने चाहिए कि आप सही तरीके से प्रश्न का भाषा का चुनाव जो कर रहे हैं शब्दों का चुनाव जो कर रहे हैं वो आप सही तरीके से कीजिए ताकि आपको वो आंसर मिल सके और वही चीज बच्चों पे अप्लाई होती यदि हम उस तरह के प्रश्न पूछेंगे एज शिक्षक तो हमें वही सही उत्तर मिलेगा और इसी तरीके से बच्चे भी उसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो वही चीज सीख रहे हैं तो जैसा वो सीखेंगे वैसा ही उन्होंने आगे यूज करना है उस चीज को और सर प्रश्न पूछने की कला का विकास करना इसलिए भी जरूरी है कि इससे हमारी लिसनिंग और रीडिंग जो एबिलिटीज़ हैं उनका भी विकास होता है हम प्रश्न सुन रहे हैं सही प्रकार से सुन रहे हैं तभी हम उसका सही प्रकार से उत्तर दे सकते हैं अगर मैंने प्रश्न ध्यान से नहीं सुना सही ढंग से नहीं सुना या उसे गलत सुन लिया तो मेरा उत्तर भी गलत होगा और विद्यार्थी के लिए प्रश्न पूछना और सुनना और जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो परीक्षा भी देगा तो परीक्षा में भी उसे अगर अच्छे अंक लाने हैं और सही उत्तर लिखना है तो उसे प्रश्न की संरचना को और उसमें क्या पूछा जा रहा है क्या आंसर उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये भी उसको समझना होगा और वो तभी समझ पाएगा जब वो जान पाएगा कि एक अच्छा प्रश्न क्या है एक अच्छा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है एक अच्छा प्रश्न कैसे बनता है एक अच्छे प्रश्न की वाक्य संरचना क्या होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा मैं कि जीवन कौशल से संबंधित जो सवाल होते हैं वो पूरी तरह से बच्चे से जुड़े होते हैं हमने कोई भी सवाल पूछा मान लीजिए दहेज प्रथा के बारे में पूछा तो बच्चे से कहेंगे कि इस इसमें आपका तर्क क्या है जी, जी। आप क्या समझते हैं इसके बारे में तो ये हमने अपने कोर्स मटेरियल में भी डाला है जीवन कौशल को इंटीग्रेट किया है जी। और लगभग हर पाठ में हमने इस तरह के प्रश्न बनाए हैं कि इसमें आपका क्या विचार है तर्क सहित उत्तर दीजिए तो वो पूरी तरह से चिंतन प्रक्रिया में शामिल करता है उसको और ये बट मुझे फिर वापस वापस पर एक शिक्षक के जो भूमिका है उसके ऊपर लेकर आना चाहूंगी कि शिक्षक कैसी भूमिका कर रहा है अगर आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो और बहुत जरूरी है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाए लेकिन आप जिस तरह का आंसर बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिस तरह का आंसर आपको मिलता है और उस पर आप किस तरह की ग्रेडेशन करते हैं ग्रेडिंग कर रहे हैं या मार्क्स दे रहे हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ के ऊपर कि बच्चा जो है वो उस प्रश्न का वापस जवाब कैसे देगा हो सकता है जैसे एक उदाहरण के तौर पे मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ समय पहले इस तरह का एक प्रश्न था मेरे बेटे के पेपर में कि आप एक केमिस्ट की दुकान है और उस केमिस्ट की दुकान पर से एक बंदा मेडिसिन लेने के लिए जाता है तो वो दवाई शायद 200 रुपए की थी लेकिन उस बंदे के पास 200 सौ रुपये है लेकिन केमिस्ट उस दवाई का चार सौ मांग रहा है क्योंकि वो एक ही बची हुई है और शहर में कहीं और उपलब्ध नहीं है तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए जो व्यक्ति लेने के लिए आया है उसे क्या करना चाहिए तो अब देखिए अगर हम मॉरली सोचें और सही तरीके से सोचें तो हम कहेंगे कि उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए या वो वापस आ जाएगा या वो और पैसे लेकर के जाए लेकिन ऐसा भी एक जवाब आ सकता है कि उसको थप्पड़ लगा के केमिस्ट को वो दवाई लेकर के आनी चाहिए अब उसके जानना ये ज़रूरी है कि उसके पीछे का रीज़न बच्चा क्या देता है कि हो सकता है कि उस बच्चे के पास या उस जो व्यक्ति लेने के लिए गया है उसके पास और पैसे हैं ही नहीं या वो ये भी कह सकता है कि जो सामने वाला केमिस्ट है वो लूट रहा है वो गलत एक्शन कर रहा है उसकी पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए तो हम हमेशा आंसर पर ना फोकस करके मतलब जो एक वन क्लियर कट आंसर मिले उसके पीछे की जो भावनाएं हैं तभी हम कहेंगे कि चिंतन जो है ना उसके पीछे का वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वो जाने कि बच्चा क्यों दे रहा है तो आप एज अ टीचर हमेशा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वही आंसर मिलेगा जो आप सोचते हैं सही इसमें है हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि मार्किंग स्कीम जब बनाते हैं जी। तो उसमें लिखते हैं कि इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से उत्तर देगा बिल्कुल बिल्कुल और जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ उसमें एक पाठ है बालकों पर आधारित बहादुर कहानी है जिसमें घर में नौकर काम करने वाला नौकर है उसी संदर्भ में हम लोग उदाहरण देते हैं कि करोल बाग में बम विस्फोट हुआ था तो उसमें गुब्बारे वाले बच्चे ने उस बम को फेंक दिया नहीं तो न जाने कितने लोगों का की मृत्यु हो जाती तो उस बच्चे की जगह अगर आप होते तो क्या करते बिल्कुल तो, तो यहाँ एक आंसर नहीं है बच्चा कितने तरह से सोचेगा उसके बारे में और बहुत अच्छे अच्छे आंसर भी हो सकते हैं उसमें बिल्कुल है ना तो मुझे लगता है कि इसको तो अपने आ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए बिल्कुल सर प्रश्न पूछना जो है आ, इसको जैसे आपने कहा कि अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए अभी तक होता यह था कि सिर्फ शिक्षक पूछता था और छात्र जवाब देता था लेकिन अब जैसे ये रिवर्स प्रक्रिया शुरू हो गई है उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई कि बच्चा भी प्रश्न पूछेगा और शिक्षक उसका जवाब देगा और उसको देना चाहिए और अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब वो एक चिंतनशील बच्चा है उसमें जिज्ञासा है उसमें कुछ सीखने की आगे बढ़ने की ललक है आ, वो कुछ जानना चाहता है वो कुछ समझना चाहता है और शिक्षक उसको सेटिस्फाई कर पाए ये बहुत ज़रूरी है अगर शिक्षक उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो ये इसका मतलब हमने एक बच्चे के व्यक्तित्व को नकारात्मक दिशा में मोड़ दिया है उसके विकास को अवरुद्ध कर दिया है पहले भी बात हो रही थी तो मैंने उदाहरण दिया था फिर से बता दूँ कि एक बहुत अच्छे शिक्षक थे तो सब उनके मित्रों ने सबने पूछा कि आपकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों है तो उन्होंने कहा कि मैं प्रश्न पूछता हूँ क्लास में तो उन्होंने कहा कि आपको समझाना चाहिए आप प्रश्न क्यों पूछते हैं उन्होंने कहा मैं तो उसका एक उत्तर जानता हूँ क्लास में तो चालीस उत्तर मिल मिलेगा बहुत ही बढ़िया तो ये जो सोच है कि हम सारे बच्चों को जिसको कहते हैं ना कि मानसिक रूप से आंदोलित कर दे सोचने के लिए और वैसा टीचर आप देखेंगे कि बच्चे भी अलर्ट रहते हैं कि शायद हमसे ना पूछ ले बिल्कुल ये हमें ध्यान है कि जब हम बी एड रहे थे तो हमारे एक टीचर जिस तरीके से आप बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद उन्हीं की बात हो रही है तो जब वो प्रश्न पूछती थी, थी ना तो जिस तरफ वो देख रही है ना हम यूं हो जाते थे या यूं हो जाते थे कि उनकी नजर के सामने ना।, नहीं। नहीं। ना आए कि वो प्रश्न पूछ लेंगे और वो सही में बट आज हम जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया उन प्रश्नों ने क्योंकि वो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं और जो ये प्रश्न हैं जब हम बच्चों के लिए बात करते हैं कि क्वेश्चनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है तो ना केवल वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो शिक्षक से पूछ सके बल्कि प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा खुद को भी इवेलुएट कर पाता है उन प्रश्नों के द्वारा आप एक तरह की सेल्फ असेसमेंट कर पाते हैं आप एक तरह की सेल्फ मॉनिटरिंग कर पाते हैं आप चाहे तो चाहे एनआईएस की जो भी हमारा स्टडी मटेरियल आता है उसमें भी आप देखेंगे तो कंटेंट पढ़ाने के बाद प्रश्न ज़रूर है और उस पर लिखा होता है सेल्फ चेक क्वेश्चन क्योंकि वो क्वेश्चन आपको मदद कर रहे हैं आपकी अपनी मूल्यांकन के लिए या अपनी मॉनिटरिंग के लिए तो इसी तरीके से बच्चा अगर कोई पाठ पढ़ भी रहा है इवन छोटे बच्चे भी जब पाठ पढ़ रहे हैं तो उनसे कहना चाहिए कि पाठ पढ़ने के बाद आप मन में सोचिए कि इसमें क्या क्या था आपको क्या क्या ध्यान है तो ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे को और बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लैरिफाई करने में हेल्प करेंगी कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है सपोज़ आपने कुछ एक बिंदु पढ़ाया है जिसके नीचे छह सब बिंदु हैं कि छह सब पॉइंट्स हैं तो यदि वो बच्चा प्रश्न करेगा तो वो रीऑर्गेनाइज़ करेगा कि वो कौन कौन से मेरे छह सब पॉइंट्स थे तो इन सब चीजों से बच्चे का जो चिंतन कौशल है उसका भी विकास होता है अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और शिक्षार्थियों अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वयं डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय इस जन विकास हो राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डी टी एच स्वयं प्रभा वागदा चैनल बत्तीस शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वागदा चैनल अब डी डी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार इस टीवी के चैनल नंबर दो हजार बत्तीस पर।, पर पढ़ो ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए एन और एक संयुक्त साझा प्रयास वक्ता चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स बत्तीस लॉन्च किए गए हैं बत्तीसवा चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24 फोर इंटू सेवन प्रसारण रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी व्यापी पहुँच एन वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभाव पोर्टल स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा काशित करने राह शिक्षार्थियों पुनः आपका स्वागत है ब्रेक के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि प्रश्न पूछने की कला का विकास बच्चे में हम कैसे करें और हमने बहुत सारी बातें इसके बारे में की और ये वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षकों के लिए भी कि बच्चा अगर प्रश्न पूछता है तो उसे यह भी बताएं कि प्रश्न किस तरह का होना चाहिए प्रश्न की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि बच्चे ने जो प्रश्न किया है वो रेलीवेंट हो और ये कला आपको विकसित करनी पड़ेगी कि विषय से संबंधित वो प्रश्न पूछे और अगर आप उत्तर नहीं भी दे सकते हैं तो उसे आप कह सकते हैं कि इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और आप उसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं मैडम इसमें और भी कुछ बताना चाहेंगे यहाँ ज़रूर जोड़ना चाहूंगी कि जो प्रश्न पूछने की बात हम कर रहे हैं और जैसे कि हम चर्चा पर जाने से ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि वो प्रश्न सिर्फ क्लासरूम के अंदर ज़रूरी नहीं है जब बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है जब वो घर पे आकर के पढ़ रहा है या वो अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के पढ़ता है तब भी वो प्रश्न ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि देखिए जितनी बार हम पढ़ेंगे या जितनी बार हम उस चीज़ को दोबारा देखेंगे तो हमारे मन में अलग अलग प्रश्न आते हैं अब अगर बच्चे का व्यक्तित्व खुला हुआ है इस चीज़ को लेकर के भी वो प्रश्न पूछे, तो ग्रुप स्टडी में भी वो हेल्प कर सकता है आप दूसरे एक दूसरे का जो नॉलेज का लेवल है उसे असेस कर सकते हैं कि किस तरह की है और जितने लोगों से हम प्रश्न पूछते हैं उतनी अलग अलग जानकारियाँ हमें मिलती हैं तो ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का विकास बच्चों के अंदर करें कि वो प्रश्न पूछें और ना केवल शिक्षक से पूछें क्लासरूम के अंदर बल्कि उनके अंदर अगर इस कौशल का विकास हुआ होगा तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे प्रश्न पूछेंगे वो माता पिता से भी पूछेंगे वो अपने दोस्तों से भी पूछेंगे आप आते जाते आप रस्ते में जा रहे हैं आप स्कूल की बस का प्रयोग करते हैं तो उसमें कितनी तरह के कि ऐसे सर्कमस्टांसिस आते हैं या परिस्थितियाँ बनती हैं जब सपोज एक रेड लाइट आ जाती है और रेड लाइट पे आमतौर पे गाड़ी को रुकना चाहिए लेकिन कोई भी नहीं है आसपास और बस का वाला लेके चला जाता है आगे यदि बच्चे में प्रश्न पूछने की वो एक चीज़ होगी तो वो पूछेगा उससे कि आप क्यों ले कर के गए जब भी इस तरह की कोई चीज़ एक्सरसाइज होगी तो एक चिंतन के मोड में ना केवल बच्चा बल्कि जिनसे वो प्रश्न पूछा गया है वो भी उस तरह की एक सोच में ज़रूर आते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया तो कई बार हम गलत कर रहे होते हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते पर जैसे ही अगर वो बच्चा हमसे प्रश्न पूछ करके कोई भी बच्चा हमसे प्रश्न पूछ करके हमें उस चीज़ का एहसास दिलाता है तो आप जरूर सोचते हैं कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो इस तरह के कौशल का विकास इसलिए भी जरूरी है ना केवल कि हम उसे पढ़ाई से जोड़ें या अधिगम से जोड़ें बल्कि जीवन यापन में भी बेहतर तरीके से जीवन यापन के लिए प्रश्न कौशल का विकास होना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें आप देखेंगे कि रीजनिंग का सवाल जरूर होता है जी बिल्कुल हर हर एग्जाम में तो वो वास्तव में जो बच्चे इस तरह की आदत डाल लेते हैं अपने जीवन में कि हर चीज़ को प्रश्न करना वो उसके डेप्थ में भी जाते हैं तो उनमें वो रीजनिंग पावर निश्चित रूप से बढ़ती है बिल्कुल और प्रश्न जो है सिर्फ इसीलिए नहीं पूछे जाते जैसे मैडम ने कहा कि हम प्रश्न कक्षा में पूछ रहे हैं किसी विषय से संबंधित पूछ रहे हैं बल्कि ये हम नई जानकारियों के लेने के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं उनको और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी हमने नया सीखा है वो औरों को बताने के लिए भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के लिए हम खेल खेल प्रश्न प्रश्न का खेल भी कर सकते हैं प्रश्नोत्तरी जो प्रक्रिया है उसको भी हम कर सकते हैं प्रश्न पूछना और प्रश्न उठाना जितना शिक्षक के लिए जरूरी है कक्षा में उतना ही छात्र के लिए भी जरूरी हो जाता है अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तो प्रश्न ले लेते हैं जी प्रश्न कह रहे हैं तो प्रश्न भी आ रहे हैं जी जी, <laughs> जी। पूछिए सवाल सर नमस्कार सर नमस्कार, नमस्कार। सर जैसे एडिसन ने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन की बात चल रही है तो एडिसन ने जैसे क्वेश्चन किया था उसके मैडम ने उस क्या ना तो नाम नहीं नहीं। दे तो अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए प्रश्न पूछने से बल्कि उसे हमेशा मोटिवेट करना चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चा प्रश्न पूछे अपनी जिज्ञासाओं को शांत शांत करे और अगर कोई शिक्षक ऐसा करता है कि बच्चे ने प्रश्न पूछा और उसे डांट फटकार दिया उसे भगा दिया या उसे कहा अरे छोड़ो आपके प्रश्न पूछने की काबिलियत नहीं है तो ये एक बहुत ही नकारात्मक हम बात कर रहे हैं और ऐसे शिक्षक कभी भी एक अच्छे शिक्षक की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं एक उदाहरण तो में पढ़ रहा था एडिशन का ही था किसी और का था कि शिक्षक काफी नाराज हुआ उस बच्चे पे और बहुत ही नेगेटिव लिख के और लिफाफा में दे दिया उसके हाँ, हाँ। और आ, 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 उन्होंने जाके मदर को दिया आइंस्टाइन का था वो अच्छा हाँ जी तो फिर मदर ने कुछ नहीं बताया और उसको रख दिया और बाद में जब आइंस्टाइन बन गए और मदर के जाने के बाद उसको खोला तो देखा कि कितना बुरा लिखा हुआ था लेकिन मदर ने कहा कि नहीं बहुत प्रशंसा की गई हमारी इसमें और तुम तो यूनिक हो अपने में आप में बिल्कुल तो ये देखिए कि किस तरह से आ, हम मोटिवेट कर सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन को क्वेश्चन पूछने वाले को अगर बच्चे को शाबाशी दे दें अगर क्लैपिंग करा दें तो उसकी उसकी भी हिम्मत बढ़ती है और ये बहुत हद तक उस बात पर निर्भर करता है जब हम कक्षा कक्ष की बात करते हैं कि शिक्षक ने जो क्लासरूम के अंदर एक संवेगात्मक माहौल बनाया हुआ है एक सामाजिक माहौल बनाया हुआ है यदि वो एक विश्वास का माहौल बनाया हुआ है तो बच्चा जो है वो प्रश्न पूछेगा वो खुल के अपनी बात कह सकेगा और अपने प्रश्न को पूछेगा लेकिन उसी के विपरीत अगर शिक्षक ने एक डर का माहौल बनाया हुआ है तो आई एम श्योर कि बच्चा जो है उतना खुल के वो प्रश्न नहीं पूछ पाता है तो यदि आप चाहते हैं या अगर हम उन बिंदुओं की बात करें जिसके द्वारा आप बच्चों को क्लासरूम में यानी कक्षा कक्ष में इंकरेज कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए तो सबसे पहले तो आपको वही करना होगा कि आपको एक खुशनुमा क्लास के अंदर माहौल बनाना होगा एक विश्वास का एक ट्रस्ट का और एक प्रोत्साहन का माहौल बनाना होगा जैसे अभी भी पहले भी यही बात हुई कि प्रश्न पूछा जाए तो आपने क्लैपिंग करा दी है तो उस तरह का प्रोत्साहन बच्चे को मिलता है और ये उन बच्चों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो किसी कारणवर्श क्लास में पीछे हैं किसी भी कारणवर्श हो सकते हैं सामाजिक आर्थिक या इवन बौद्धिक तौर पे अगर पेपर में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आमतौर पे हमारी रैंकिंग भी उसी हिसाब से बनी होती है कि ये अच्छा बच्चा है क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो उन सब चीज़ों को विपरीत रखते हुए यदि एक बच्चा कोशिश करता है और वो प्रश्न पूछता है तो उसे वो इनक्रेजमेंट वो प्रोत्साहन मिलनी चाहिए क्लासरूम के अंदर और ध्यान रखिए जितने अलग तरह के प्रश्न एक बच्चा पूछता है इसका मतलब उतनी अलग तरह की उसकी सोच है और शायद उसका ही विकास सबसे ज़्यादा हुआ हुआ है हो सकता है पेपरों में उसके नंबर उतने ना आ रहे हो क्योंकि आमतौर पर जिन बच्चों के प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं वो नॉर्मल से हट करके होते हैं तो वो उन नॉर्मल वाले ट्रैक पर नहीं चल पाते हैं तो आम तौर पे जैसे आइंस्टाइन का उदाहरण ही हमने लिया कि वो प्रश्न इतने ज़्यादा पूछ रहे थे क्लास के अंदर कि शिक्षक को लगा कि ये तो बिल्कुल बाहर जा रहे हैं और उन्होंने उसको अलग कैटेगरी में देखा जबकि हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने नाम को कैसे सार्थक किया है बाद में तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि एक अच्छा सा माहौल एक खुशनुमा माहौल बना करके रखें कि बच्चे क्लास में प्रश्न आपसे पूछ सके बिल्कुल सही कहा आपने और प्रश्न पूछना जैसे अभी आप बच्चों को भी सिखाया जा रहा है लेसन प्लानिंग बनाने के लिए और आप भी अपने लेसन प्लानिंग में तीन तरह के तीन लेवल पर तीन स्तर पर प्रश्न पूछते हैं पहला तो प्री के टेस्टिंग यानी प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बच्चे को मोटिवेट करें जिन्हें आप पढ़ाने जा रहे हैं और आपकी कक्षा में एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है बच्चों में जिज्ञासा पैदा होती है तो आप प्रश्न पूछते हैं फिर उसके बाद आप पढ़ाते वक्त बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों के जवाब देते हैं और अंत में आप जब उन्हें गह गृह कार्य देते हैं या अपना पढ़ाने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को जो मैंने पढ़ाया वो कितना पढ़ाया कैसा पढ़ाया उनको कितना समझ में आया कहाँ पर उनका डिफ़िकल्टी लेवल है किस तरीके से और उनको जो है समझाने की ज़रूरत है और तरीके से बताने की ज़रूरत है तो ये भी सारा कुछ बहुत ज़रूरी है महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए कि वो प्रश्न पूछने की कला मैं खुद भी पारंगत हो और अपने छात्रों को भी जो है कौशल का उनमें विकास करें। एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ प्रश्न पूछिए सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरे स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स को मौका नहीं देते बोलने का कोई भी क्वेश्चन करने का तो मैं उनको कैसे समझाऊं? ये तो बच्चे का ही सवाल आ गया <laughs> ये तो मुझे, लग, मुझे मैं कहने तो लग रहा है कि बच्चों का ही सवाल है और नहीं। आ, मुझे नहीं मालूम कि बच्चा किस कैपेसिटी में अपने टीचर को ये बात कह सकता है कि मुझे प्रश्न पूछने दीजिए लेकिन अगर आप शिक्षार्थी नहीं है और आप बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता के थ्रू इस बात को लेकर के जा सकते हैं शिक्षक के लिए कि प्रश्न पूछने की आज़ादी क्लास के अंदर होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए और अगर आप कोई सहयोगी शिक्षक हैं साथ में ही काम करते हैं तो भी आप वार्तालाप के दौरान और किसी भी तरह के डिस्कशन के दौरान इस बात को उठा सकते हैं कि यदि हम प्रश्न पूछने नहीं देंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों के विकास होने से रोक रहे हैं या उसमें बाधक बन रहे हैं या अवरोधक बन रहे हैं मुझे लगता है कि ये डी प्रोग्राम में ये जो कोर्स कंटेंट डाला गया है उसका जो उद्देश्य वो यही है कि जब शिक्षक को ही ये तैयार किया जाएगा कि प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न पूछना एक कौशल है उसको सिखाया जाए कि कैसे प्रश्न पूछा जाए तो मुझे लगता है कि जब इस तरह के शिक्षक ये सीख कर जाएंगे कि प्रश्न पूछना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से प्रश्न पूछने की कौशल का विकास किया जाए तो जब ये बच्चे जब ये भावी शिक्षक स्कूलों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये समस्या अपने आप ही काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी कि वो अपने बच्चों को उतना स्पेस देंगे उतना समय देंगे कि वो प्रश्न पूछ सकें और वो खुद भी प्रश्न पूछने की कोशिश और चेष्टा बच्चों के साथ करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे भी कभी भी उन्हें डिस्करेज नहीं करेंगे शुरू में सवाल यही था कि ये क्यों रखा गया है शिक्षकों के लिए तो ये जो भी ये बच्ची पूछ रही है इस, इसका मतलब कि समस्या है बिल्कुल बिल्कुल और उस समस्या के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा जरूर होना चाहिए कि आप उसके महत्व को समझें बिल्कुल इसीलिए टीचर एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग कोर्स में ये डाला गया है इस तरह के विषय कि हम अपने शिक्षकों को ही तैयार करें इस तरह के विषयों के लिए कि प्रश्न पूछें और पूछने की आजादी अपने छात्रों को दे। इसके प्रति जो नेगेटिव धारणा देव उसको खत्म किया जा आ, सके उसको हटाया जा सके मुझे लगता है साथ ही साथ पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में में डाला है और वो बहुत जरूरी बात है लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि उस तरह का दृष्टिकोण भी टीचर्स में बनाया जाए क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आप अच्छा पाठ्यक्रम पढ़ करके आ रहे हैं जिसमें ये सारी बातें आपने पढ़ी है लेकिन आपने थ्योरिटिकली पढ़ी हैं वो आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर पाया या आपका उस चीज को लेकर के दृष्टिकोण क्या है तो शिक्षकों को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जैसे निजाम हमने पहले भी जिक्र किया कि पहले ज़रूर टीचर सेंटर टीचिंग हुआ करती थी लेकिन अब लर्नर सेंटर टीचिंग है इनफैक्ट हम तो टॉपिक सेंटर टीचिंग की तरफ जा रहे हैं तो लर्निंग सेंटर टीचिंग एक्जेक्टली वो वर्ड सही रहेगा कि हम अधिगम सेंटर टीचिंग की तरफ जा रहे हैं तो उन सब में तो इन सब का स्पेस है कि हम प्रश्न पूछने दें और प्रश्न पूछने की आज़ादी के साथ साथ प्रोत्साहन जो पहले भी हमने बात करी है आज़ादी और प्रोत्साहन दोनों ही जरूरी है कि हम बच्चों से पूछें इस बारे में सवाल ले लेते हैं जी हेलो हेलो शायद कनेक्ट नहीं हो पाए जी आ, आगे और आ, कौन से बिंदु रह गए हम उस बारे में भी जरूर बात करना चाहेंगे कि Hello? जब hmm. कि जब हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि हम क्लास में कैसे बच्चों को इनकरेज करें कि वो अलग अलग तरह के प्रश्न पूछें तो शिक्षक किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है देखिए कई बार हम येस नो टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं तो अगर आप नो टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उस चीज़ को उतना विकसित नहीं कर पाएंगे और इसके विपरीत यदि आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनमें डाइवर्जेंट आंसर्स हो सकते हैं तो आप उस प्रोत्साहन का या उस कौशल का ज़्यादा विकास कर सकते हैं जैसे हम प्रश्न कौशल की बात कर रहे हैं साथ ही साथ टीचर को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने प्रश्न पूछा है और आंसर आने में एक थोड़ा सा गैप होता है हम ये उम्मीद ना करें कि मेरे मुंह से प्रश्न निकला यानी शिक्षक के मुंह से प्रश्न निकला और शिक्षार्थी के मुंह से जवाब उसी टाइम आ जाएगा समय दीजिए पाँच सेकेंड दस सेकेंड ताकि बच्चे को वो सोचने का मौका मिले वो उसे माइंड में ग्रास कर सके कि क्या प्रश्न पूछा गया अपने शब्दों को वो अपने दिमाग के अंदर अरेंज कर सके कि कि किस तरीके से उसका जवाब देना है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार आ, ऐसा देखने को मिला है मैंने मतलब मैं अपने जब स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन करती हूँ तब भी ध्यान दिया है इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा शिक्षक बोल रहा होता है क्लास के अंदर जब शिक्षक बहुत ज़्यादा बोल रहा है चाहे वो प्रश्नों के माध्यम से चाहे वो समझाने के माध्यम से तो भी आप गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि आप बच्चे को वो टाइम नहीं दे रहे जिसमें वो कंटेंट को ग्रास भी करे तो आपके प्रश्न पूछने में और उसके आंसर देने में गैप होना जरूरी है समय आपको देना ज़रूरी है बिल्कुल और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि हम कुछ इस तरह की क्रेप एक्टिविटी क्लास में ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर स्टूडेंट्स आपस में भी प्रश्न पूछें और शिक्षक और छात्र आपस में भी प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे प्रश्नोत्तरी जैसे हमने कहा क्विज हो सकता है डिस्कशन हम कोई ऐसा टॉपिक रख सकते हैं जिसमें ग्रुप में हम बच्चों को डाल दें और वो आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछकर उसको डिस्कशन करते हुए उसका उत्तर ढूंढें जी हेलो हेलो सर पूछिए नमस्ते सर नमस्कार सर मेरे विद्यालय में बहुत निचले तबके के अनुसूचित जाति के बच्चे मैक्सिमम बच्चे अनुसूचित जाति के ही हैं बहुत थोड़ा थोड़ा तेज बोलिए और उनसे उनको बार बार हम लोग प्रश्न पूछने के लिए कोई टॉपिक बताते हैं उसको सारा अच्छी तरीके से आदमी बताने का प्रयास करता है और उसके बावजूद एंसर तो यानी कि पूछने पर तो बता देते हैं लेकिन बीच बीच में कोशिश किया जाता है उसके बावजूद वे प्रश्न नहीं पूछना प्रश्न पूछने में सक्षम नहीं हो पाते कैसे उसको मोटिवेट किया जाए कि प्रश्न पूछे बच्चे नहीं पूछते ये भी है दिक्कत कि कई बार टीचर पढ़ा के चले गए किसी ने कुछ पूछा नहीं देखिए उसका एक कारण यही है कि बचपन से बच्चे को प्रश्न पूछने के कौशल का विकास नहीं किया जाता उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता जैसे शुरू में भी आपने कहा कि माता पिता बच्चे को डिस्करेज करते हैं पहले भी मैंने एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि एक माँ जा रही है बस के अंदर बच्चा साथ में है और पुल के ऊपर से नदी के ऊपर से बस गुजर रही है और बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है उसने पहली बार नदी देखी होती है और माँ बातों में व्यस्त है और बच्चा प्रश्न पूछता है तो थप्पड़ मारती है खींच के उसके कि मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो अगर बच्चे को बचपन से इस तरह का अनुभव मिलेगा तो वो कभी भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा नहीं। और यही कार्य जो परिवार के लोग उसके साथ करते हैं स्कूल में शिक्षक उसके साथ करते हैं या दोस्त हंसेंगे अगर मेरा प्रश्न गलत हुआ या मैंने शिक्षक से कुछ पूछ लिया अगर शिक्षक डांटेंगे या फटकारेंगे या आंसर नहीं देंगे तो ये जो हमारे मन में फीलिंग्स होती हैं ये एक नकारात्मक जो विचार होते हैं या एक निरुत्साहित जो विचार होते हैं ये हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते ही नहीं हैं दूसरा ये है कि प्रश्न पूछना जैसे हमने कहा एक कला है क्या प्रश्न पूछूँ समझ में नहीं आता दिमाग में नहीं आता क्योंकि हमने उसे तैयार नहीं करा हमने उसे शुरू से सिखाया नहीं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं और जो प्रश्न बनाए हैं उनको हमें शिक्षक से पूछना है जब हम बच्चे को बचपन से ही इन चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं तो उसमें एक झिझक रहती है उसमें एक डर रहता है और वो कभी भी प्रश्न पूछ नहीं पाता जी एक सवाल लेते हैं हेलो हाँ नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार जी प्रश्न पूछने से बच्चे तो अलर्ट रहते हैं साथ में एकाग्र भी रहते हैं यही बात टीचर्स पर भी लागू होती है लेकिन टीचर्स बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए कैसे प्रेरित करें सर हम, ये अच्छा पॉइंट दिया कि एकाग्रता बढ़ती आ, है एकाग्रता बनती है निश्चित रूप से बिल्कुल और आ, बच्चों की भी और शिक्षक की भी दोनों की एकाग्रता बढ़ती है बिल्कुल और शिक्षक के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और देखिए अगर शिक्षक को ज्ञान है अपने विषय का या जो भी विषय टॉपिक वो उस दिन वो पढ़ा रहा है अगर उसको अच्छी तरह ज्ञान है वो तैयार होकर आया है तो वो कभी भी अपनी कक्षा में घबराएगा नहीं कभी भी अपने बच्चों को प्रश्न पूछने से निरुत्साहित नहीं करेगा ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सोचने की बात है कि अगर शिक्षक में खुद कोई कमज़ोरी है खुद कोई कमी है मैं ये कहना चाहूंगी तो वो बच्चे को कभी भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा नहीं तो, मुझे तो, पहले तो लगता है अभी मैडम ने जो चर्चा की कि कई लोग बोलते ही रहते हैं मुझे लगता है अगर 45 मिनट्स मिनट का क्लास है तो लास्ट के 15 मिनट इसी के लिए रखना चाहिए बिल्कुल इसी के लिए रखने चाहिए, इसी इसी लिए लिए रखने चाहिए वो लेकिन... जो वो वो एक सेल्फ स्टडी का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपने कुछ समझाया है तो बच्चे को दो मिनट तीन मिनट दीजिए तो सही कि वो अंदर उन चीजों को लेकर के जाए सी हम भी अगर कॉन्टीन्यूसली बोलते जाएंगे तो हमें भी नहीं बात समझ में आएगी चाहे हम बच्चे हों चाहे बड़े हों लर्नर लर्नर ही रहता है तो उसमें जरूर है ऐसी जरूरत है कि वो हॉल्टिंग टाइम्स लाए जाएं कि आपने कुछ पढ़ाया थोड़ा सा गैप दिया ताकि वो उस चीज़ को उतने ही अच्छे से अंदर ग्रहण कर सके लेकिन हम आजकल क्या देखने को मिलता है सर कि इतना भागदौड़ वाली चीज़ चली हुई है कि वो टीचर्स के ऊपर भी एक दबाव है कि आपने आज ये खत्म करना, करना, और करना है और कल ये ख़त्म करना है रिविजन करानी है तो उस प्रक्रिया में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कई बार कि प्रश्न टीचर नहीं चाहता कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछें लेकिन जो हमारे शिक्षार्थी का सवाल था उसके मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि निरुत्साहित आप भी मत हुई कि प्रश्न अगर बच्चे नहीं पूछ रहे हैं देखिए उसमें दो चीज़ें हैं या तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे तभी उसके पास कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि उसको सब कुछ क्लियर हो गया या फिर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो दोनों ही चीज़ हो सकती है मैं हमेशा कहती हूँ क्लास में पढ़ाने के बाद कि अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा है क्लास में किसी बच्चे ने तो दो ही उसके तो ऑल्टरनेटिव हैं या तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया या उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी या कौन सी श्रेणी के टीचर हैं और आप क्लास में वैसा माहौल बनाइए कि वो प्रश्न को वापस आपसे पूछ सके और एक और एक भी कैटेगरी है है कि अटेंटिव नहीं है वो बिल्कुल अटेंटिव नहीं है और बचना चाहता है एस्केपिंग टेंडेंसी होती है बचने की वजह से भी कि मैंने प्रश्न पूछ लिया और उसके आंसर आने शुरू हो गए तो समय व्यस्त हो जाएगा और मेरे को जो है और जो मैं एक्टिविटी करना चाहती हूँ या कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो रह जाएंगे तो इसलिए प्रश्न पूछने से एस्केप यानी बचने की कोशिश करते हाँ, हैं क्योंकि ऐसा मुझे कई बार लगता है आजकल के क्लासरूम्स में स्पेशली कि हम बहुत ज्यादा शिक्षक को बांध देते हैं कि आपने ये करना है और उसके बाद ये करना है और चाहे गवर्नमेंट सेटअप्स हों चाहे प्राइवेट सेटअप्स हों एक शिक्षक के पास बहुत से काम है और ऊपर से करिकुलम का ओवरलोड जो हो जाता है तो उसमें यह चीज़ स्केब्स टेंडेंसी किसी भी टीचर में आ भी सकती है कि भैया ना ही पूछो क्योंकि पाँच मिनट तुम्हारे और लग जाएंगे और मेरा काम उतने में रह जाएगा तो वो जरूरी है कि हम उस तरह का थोड़ा रिलैक्स भी करें अपने आप को भी क्योंकि टीचिंग ठीक है अपने आप में एक स्ट्रेसफुल जॉब है आप चार घंटे पाँच घंटे छः घंटे से लगातार आप खड़े हुए हैं और लगातार आप बात करते जा रहे हैं तो बट बीच में कहीं कही ना कहीं हमें रिलैक्स करने का मौका अपने आप को भी देना चाहिए और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जब आप बच्चे को ये वाला टाइम देते हैं जहाँ वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने उन्हें हॉल्ट टाइम दे दिया या साइलेंट टाइम दे दिया तो वो आपको भी मौका देता है कि आप भी उस गैप में थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को जी और मुझे लगता है कि शिक्षक को अपनी कक्षा में जब आते हैं पढ़ाने के लिए तो अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर आना चाहिए और ये सोच कर आना चाहिए कि संभावित प्रश्न मैंने क्या पूछने हैं और छात्र भी मुझसे क्या पूछ सकते हैं जी तो इस तरह से शिक्षार्थियों आपने देखा कि आज हम चिंतन कौशल पर बातचीत कर रहे थे और बहुत सी बातें निकल कर आए शिक्षकों के अनुभव से जुड़ी हुई बातें थीं तो मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना विस्तार से और बहुत ही उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को रखा मुझे लगता है कि शिक्षार्थियों आपने इसका लाभ उठाया होगा तो आज के लिए बस इतना ही कल किसी अन्य विषय पे बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद